क्या कुछ लाए नहीं क्या है अच्छी क्या है बहुत मेहरबानी की मेरे पोते की शादी में आके तुम्हें क्या बात है हमारे पार्टनर नजर नहीं आ रहे वो नवाबा की औलाद बेटे की शादी बुलाए तो बच्चे की पैदाइश में आते वो लोग अजी सुनते हो क्या है? अभी और कौन कौन आने का बाकी है तुम्हें कहे को फड़फड़ा रहे जाओ अंदर अरे मैं क्या अंदर काम नहीं कर रही हूँ क्या मैं तो ये देखने आई थी कि आप मेहमानों का स्वागत ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कांटा क्या है एक बात पूछूं पूछो वो हमारी सारी जिंदगी की मेहनत का नतीजा हमारा पोटा हम अपने मेहनत के नतीजे की शादी का नतीजा खराब कर को अपना वजीदा करवाते तुम मेरे को तभी हुकुम समझ रहे जाओ मेरी माँ जाओ मेरे पोटे की माँ है ना जाओ मौसी दिखता नहीं क्या मौसी क्या है क्या हुआ चिल्लाने को अरे अंदर गर्मी कितनी हो रही है मेहमानों की हालत खराब हो रही है पसीने से कपड़ा से पकड़ा सबका बिजली का पंखा नहीं कम से कम एक एक हाथ का ही पंखा दे दो अरे बेवकूफ हम लड़के वाले हैं पंखा देना लड़की वालों का काम है आपके अंदर लड़की वालों से बोल हेलो पार्टनर मुबारक हो वनराज तुम्हें कहे को आए किधर जाता है कुछ तो हाथ जोड़ कर आया था मेरे घर अपने बेटे की शादी की दावत देने के लिए हाथ जोड़ को आया था तुम्हारी बेटी तुम्हारी जोरू को बुलाने को तुमको बुलाने को कौन है चुप रहता है कि नहीं हाँ चलो 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 तुम तुम्हें जाओ इन्हें तो लुच्चा है क्या है हाय राजेश्वर अरे भाई राजेश्वर तुम्हारे पिताजी नहीं आए डैडी का दिल्ली से फोन आया था कि वो एयरपोर्ट से सीधे यहीं आ रहे हैं अरे क्या बेटा राजेश्वर तुम्हें मेरे बेटे की दिगरी दोस्त हूँ तुम भी देर करके आ रहे वो गलाटा कर रहा है अभी तक राजेश्वर नहीं आएगा मैं दुल्हन को मंगलसूत्र इसलिए नहीं बांधता नहीं बांधता उसको मालूम है इसलिए मंगलसूत्र में कितनी किठाना मारते तुम्हें बोले उतनी मारता वो अरे वो हवला है जल्दी चलो बिच्छू हाय बिच्छू अबे बैठ तू दूल्हा है यार शादी में नहीं तू है नहीं तू कल काटा हुआ जाता हूँ मैं आज के दिन शादी बाद ला बे आ गई आ गई आ गई आ गई चल आ गई हेलो नलिनी जल्दी चल चल भाग चले पकड़ो 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 छोड़ दो मुझे बैठ जाओ प्लीज बैठ जाओ क्या है हमारी नाक कट गई थी ये बाबू वापिस ले गया बाबू क्या नाम है तुम्हारा तिलक तिलक बाबू हमारे इज्जत पे बेइज्जती का गोबर लग गया था आप बचा लिए मैं अपनी मुंडी काट के आपके खम्भों में डाला तो कम है अरे हम लड़की वाले लोग अरे भागी हूँ दुल्हन की तरफ से चलो उठ उठ निकल रहे आराम के थू बहन क्या तुम्हें जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है ठहरिए पंडित जी बंद करो ये सब कुछ क्या है ये शादी नहीं हो सकती काहे को नहीं हो सकती मैं बताता हूँ हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मगर इसके पिता मुझे अपना दामाद बनाने के लिए तैयार नहीं क्योंकि मैं गरीब हूँ ए मिस्टर ए क्या निकलो मंडप से बाहर निकलो निकलो बाहर क्यों मंडप से हो रही मेरी शादी मुश्किल से भू? क्या है काहे को मेरे पोते को मंडप से उठा रहे हैं आपकी बातों का जवाब इस लड़के ने अपने शब्दों से और लड़की ने अपने आंसू से दिया है अम्मा बाहर निकलो बैठे रहो हम देखते हैं कौन उठाता है तुम्हें वहां से ओ मिस्टर अपनी हैसियत देख फिर बात कर जिसकी शादी हो रही है उसकी पोजीशन जानता है क्या है इस बड़ी महफिल में बड़े बड़े लोग हैं सोसाइटी में क्या इज्जत है जानता है कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं ये लोग इंडस्ट्रीज के मालिक हों या सारी दुनिया की मगर दिलों के मालिक नहीं है
अपनी दौलत की ताकत से दो प्यार करने वालों को आप जुदा नहीं कर सकते। तो क्या तुम गरीब लोगों की वकालत करने आए? अगर तुम वकालत करना भी चाहते हो तो कम से कम उन लोगों को जाके ये तो समझाओ कि जमीन पर रहने वाले आसमान के सपने नहीं देखा करते, क्योंकि जमीन और आसमान में बहुत बड़ा फर्क है, फासला है। प्यार करने वाले किसी फासले की परवाह नहीं करते। ये हिंदुस्तान है, यहाँ बड़ों की इज्जत करना और उनका हुक्म मानना धर्म समझा जाता है। यही इस देश की सभ्यता है। और इस देश की सभ्यता सबसे पहले प्रेम सिखाती है। अगर सभ्यता के लिए तुम्हारे दिल में इतना ही मान है तो प्रेम का मान रखना भी तुम्हारा पहला धर्म है। तू क्या है? हमें तुम्हारी इज्जत की है, तुम्हें हमारी इज्जत की टांगे काट रहे हैं। जब तक इन दोनों की शादी नहीं हो जाती मैं यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊंगा। और सुनो, डरना नहीं, मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। अरे राजेश्वर, इस महमूदा आदमी को अरे फोन क्या धक्के मारे भारी होते हैं। अरे आई जी के जाकर होम मिनिस्टर को फोन करो, जब तक ये शादी नहीं हो जाती मैं यहाँ से चिल्लाने की जरूरत नहीं, जबान और कलम मेरे पास भी है। नागिराटी, अपने बेटे से कहो कि यहाँ से उठ जाए। तेरी आप क्या कह रहे हैं राजेश्वर? ये साहब ठीक कह रहे हैं, इस लड़के की शादी इसी लड़के से होनी चाहिए। बड़े बाबू, ये तो अन्याय है। क्या बाप होके मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से करवाऊं? जी नहीं, किसी बाप को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के बिना करे। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। चलो बिच्छू, उठो यहाँ से। अम्मा, उठो उठो उठो। आओ बेटे, बैठो बैठो। पंडित जी शुरू कीजिए। नलायक, खुल्लू, पाजी, गधे, गेंडे, तुम्हारी वजह से हमारी भी बेइज्जती हुई वहां पे, और हम जैसे आदमी को प्यार का अपमान करना पड़ा जो प्रेम के पुजारी है। अबे घोंचू, हमारी एक बात समझ में नहीं आती, तुमने ऐसी लड़की पसंद ही क्यों की जो पहले ही किसी और से प्यार करती थी? मैं कहा रिश्ता ढूंढ के लाया था ये दास, भगवान करे हो जाए इसका सत्यानाश। अबे ओए, उल्टे पुल्टे शायर मेरे गले क्यों पड़ता साले? तेरी माँ ने रोज रो रो के मेरी जान खा ली थी, दास मेरे बेटे की शादी करा दो नहीं तो मैं जान दे दूंगी। उसका भांजा होने के नाते मैंने ये रिश्ता मंजूर करवाया है? एक तो साले रिश्ता लेकर आओ, ऊपर से गालियां खाओ, एक दूंगा पलट। रिश्ता भी लाया तो ऐसा घटिया, आइंदा ऐसा रिश्ता लाया तो एक रख के दूंगा। बिच्छू, अबे बाजू हट। तू काम क्यों नहीं करता? तू खुद किसी लड़की से इश्क क्यों नहीं कर लेता? मजाक उठाता है इसके इश्क का? इश्क? ये कोई इश्क करने की चीज है? अबे क्या कमी नजर आती है मुझमें तुझे? मेरी छाती का साइज मालूम है तुझे? 70 इंच हाथी का साइज। मेरी कमर का साइज मालूम है तुझे? 90 इंच गैंडे का साइज। और मेरे इसके नीचे मत जाना बे। अरे बिच्छू, लड़कियां अपने साइज की तारीफ करके खुश होती है, मत को चाहिए उसकी मर्दानगी। वो इसके पास कहाँ है? देख, बुद्धू समझ के करता है मेरी मस्करी, गुस्से में आऊंगा तो कर दूंगा तेरी किरकिरी। अरे एक आइडिया, बहुत फैंटास्टिक आइडिया, कोई ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर भरपूर लड़कियाँ हो, और वहाँ पर जो लड़की बिच्छू को पसंद आ जाए बिच्छू को प्यार करने का मौका दे देंगे। गुरु, सारी वाली लड़की। ए मिस्टर, दिखाई नहीं देता क्या? अपनी जीत के नीचे लोगों को कुचल देना चाहते हो? I'm sorry, ma'am. बहुत सॉरी। उफ, जो नारियल नाग देवता के चरणों में चढ़ाने के लिए लाई थी तुम्हारी वजह से जमीन पर गिर पड़ा। अरे आपको किसने कह दिया कि भगवान और देवता सिर्फ मंदिर में रहते हैं? अरे वो तो हर जगह है, आसमान में है, जमीन में है, पेड़ में है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। हाँ मतलब है कि दुनिया के हर कोने कोने में है, तुम में है, तुम्हारे दिल में है, इनमें है, इनके दिल में है, उसकी जगह हर जगह है। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पर इनके दिल में, इनकी आंखों में, इनकी मुस्कुराहट में आपने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। अरे कहाँ जल्दी, खैर दर्शन तो हो गए। ओ गुरु 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 गुरु, तुम कहाँ चल दिए? जाना था हमको उस तरफ और कदम बढ़ा के चल दिए इस तरफ। देखने जा रहा हूँ अंदर क्या है देखने के लिए। देवी के दर्शन। कौन सी देवी भाई, क्या हो गया तुम्हें? धूप लग गई है क्या? धूप नहीं लगी, चोट, पहले आंखों में, आंखों के जरिए दिल में। ओ मतलब लव एट फर्स्ट साइट। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब क्या हुआ? अरे भाई क्यों रो रहा है? जुल्म देखो, इश्क करवाने लाया था मुझे और खुद इश्क कर बैठा। मैं अपने बाप को झूठा समझता था, ये भी धोखा दे बैठा। मत रो मत रो, चुप हो जा, तुझे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, तुझे भी अंदर ले चलते हैं। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तुम मालूम है कौन है अंदर? कौन कौन?
नागी रेड्डी मेरा बाप। सुनो और ये 50 तू किधर ले जाके देगा? अन्नपूर्णा होटल। हरिओम। हरिओम। क्या है? बाहर लोग प्रसाद मांग रहे हैं। वो कल की बासी खीरे ना जाको भाई, भीड़ बहुत है, प्रसाद कम पड़ेगा। तेरे को पंडित की नौकरी कौन दिया रे? तेरे को दूसरा कोई काम नहीं मिला? ये धोती बांध को जनेऊ लटका को इतना बड़ा पेट निकाल को कोई पंडित नहीं हो जाता। उठ, मैं तेरे को बाट को दिखाता। हरिओम। चलो हाथा निकाला। पंडित जी हमको लगाए नहीं आपने? लगा रहा हूँ, काय को मर रहे, लाओ किधर लगाते। ये क्या इंसाफ है? भगवान का प्रसाद भी राशन की तरह बांटा जा रहा है। घर से खाना खा को नहीं आते, प्रसाद चखने को होता, पेट भरने को नहीं होता। अच्छा तो ये नारियल किसका पेट भरने के लिए जा रहे हैं, भगवान का या तुम्हारा? मेरे को करे? नहीं भगवान को। ऐसा करते? ऐसे ही करती। क्या पोटी है? ऐसे ही हूँ। जाना चल। कमाल है, भगवान के दर्शन करने के बाद भी चेहरे से गुस्से का प्रदर्शन नहीं उतरा, क्या लड़की है। तुमने कालिदास की कविता पढ़ी? जब से देखा मैंने इस दास को, न शेक्सपियर को पढ़ा है न कालिदास को। अबे चुप, तूने कभी इश्क या रोमांस की किताब पढ़ी? भूल कर भी पैसे नहीं देता मेरा बाप, कैसे खरीदू कैसे पढ़ू कोई किताब। फिर तुझे क्या मालूम इश्क क्या होता है घोचू? अरे उछलती लहराती बल खाती लड़की और नदी आखिर में जाके प्रेमिका के आगोश में समा जाती। अरे मगर गुरु वो तो नजरें चुराती बल खाती चली जा रही है। हम भी चले जा रहे हैं। डिंका 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 डिंका, एक से बढ़कर एक मिलेगी तुझको हजारों बीवियां, छोड़ दे जाने भी दे मियां। अरे अजीब घोचू आदमी है यार, इसने पहले ही कह दिया कि इस लड़की ने पहली नजर में इसे दीवाना बना दिया। इस बात की क्या गारंटी है कि ये दीवाना हो गया है, वो क्षमा हो गई और ये परवाना हो गया। चलो शर्त लगाते हैं, तुम हर रोज नई नई गाड़ियाँ लाते हो ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर इसने उसी रंग की साड़ी पहनी जिस रंग की तुम्हारी गाड़ी हो तो हम मान जाएंगे कि तुम दोनों का प्यार सच्चा, वरना गड़बड़ा है। बड़ा घटिया तरीका है शर्त लगाने का। तुम्हारा शर्त तो ये लगाओ कि हम उस रंग की गाड़ी लेकर आएंगे जो रंग की ये साड़ी पहन के आएंगी। वाह मंजूर है, लेकिन इतना याद रखना कि अगर ये बाजी तू हार गया ना तो समझना मैदान मैं मार गया। किधर जाता है? चल मार। बदतमीज कहीं से। माँ चलो मेरे साथ। बेटी इस तरह का मधुरा छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? माँ मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया लेकिन उसके बावजूद तुम चुपके से लोगों के यहाँ उनकी मजदूरी करने उनके कपड़े बर्तन धोने चले आती हो। आओ मेरे साथ तिलक। आओ माँ। ए सुनो, अगर इस तरह तुम अपनी मर्जी से जाओगी तो ये सारा काम कौन करेगा? जब तुम लोग अपना खाना अपने हाथों से खाते हो, अपनी दौलत पर खुद ऐश करते हो, अपनी जिंदगी के मजे खुद लूटते हो तो फिर अपना काम भी खुद ही कर ले करो। हाँ हाँ मालूम है, तुम जाओ, निकल जाओ यहाँ से। असल में ये लोग काम करने थोड़े आते हैं बल्कि मतलब से आते हैं। सुबह खाली हाथ आते हैं, शाम को जाते वक्त कुछ ना कुछ चुरा कर ले जाते हैं। ठीक है, तुम लड़की जात हो, तुम्हारी जगह कोई और होता तो तिलक। हमारी जेबों में भले ही दौलत की गर्मी ना हो लेकिन हमारे खून में बहुत गर्मी है, बहुत जान है इसमें। तुम लोगों की तरह एयर कंडीशन कमरों में बैठकर हमारा खून जम नहीं गया। चलो स्टुपिड, इस प्रजाराज ने हर दो कोड़े के आदमी को बोलने की आजादी दे रखी है, इसलिए हर भीख मंगा जहाँ मौका मिलता है बकवास करके जहाँ उगल कर चला जाता है। चलो बेटी, छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते, चलो। तिलक इतना गुस्सा करने से, इतनी गर्मी दिखाने से पेट की आग तो नहीं बुझती? तुझे नौकरी मिलती नहीं, मुझे काम नहीं करने देता तो फिर ये घर कैसे चलेगा? नहीं चलता तो मत चलने दो, हम भूखे रहेंगे लेकिन आज के बाद तुम काम नहीं करोगी। माँ तू अपनी माँ को एक दिन भूखा देख सकता है
मगर कोई माँ अपनी औलाद को भूखा नहीं देख सकती। माँ तू क्या समझता है, आज तक बगैर नौकरी किए तो इतना बड़ा हो गया, बिना मजदूरी किए पढ़ाया लिखाया। माँ का अपने बच्चे को दूध पिलाकर परवरिश करना कुदरत का निजाम है, मगर जवान होने के बाद अपनी माँ का पेट भरना औलाद का फर्ज होता है। ओहो, फिर तुम माँ बेटे की बहस शुरू हो गई। देखो शारदा बिन, ये जो कह रहा है उसके शब्दों में जवानी की गर्मी और बेकारी की आग झलक रही है, और तुम जो कह रही हो उसमें जिंदगी का तजुर्बा। तुम दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हो, किसी का कसूर नहीं है। कसूर है तो सिर्फ एक है, हमने गरीबी की कोख से जन्म लिया है। पिताजी, पिताजी, दीदी आपको बुला रही है। मैं अभी आया। ये रही आपकी किताब। ये नहीं, छोड़ो। अच्छा पिताजी, मैं फनराजी के घर उनकी बेटी रानी को फ्रेंच सिखाने जा रही हूँ। क्या फायदा है भारती, तुम क्या समझती हो अगर तुम उसकी बेटी को पढ़ाओगी तो वो क्या तुम्हें पगार दे देगा? क्यों नहीं देगा, मैं कोई उनके स्कूल में पढ़ाने नहीं जा रही हूँ, उनके घर पर उनकी बेटी को ट्यूशन देने जा रही हूँ। लेकिन पिताजी, आप उनसे अपनी 6 महीने की तनख्वाह के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? बेटी, जो जिंदगी से मजबूर हो जाता है वही स्कूल मास्टर बन जाता है। ये वो कौम है जिन्हें दिल में मजबूरियां लिए, चेहरे पे मुस्कुराहट लिए, ऊंची आवाज में पढ़ाने का तो हुक्म है, लेकिन अपने हक के लिए आवाज उठाने का हुक्म नहीं है। और अगर हम हिंदुस्तानियों के पास कोई हक है तो सिर्फ वोट देने का। देखो रानी, बर्दाश्त की भी हद होती है। अगर तुम्हें वाकई फ्रेंच सीखनी है तो मेरे आते ही किताब लेकर मेरे सामने बैठ जाया करो, वरना अपने डैडी से कहकर अपना ट्यूशन बंद करवा दो। मैं तो डैडी से 50 बार कह चुकी हूँ कि मुझे नहीं सीखना फ्रेंच वेंच, मगर वो जबरदस्ती कर रहे हैं। कहते हैं हमारे कंपनी में मैं भी एक डायरेक्टर हूँ, मुझे फ्रेंच सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे इस दलदल में फंसा दिया। टीचर, एक आइडिया। इस टीचर, तुम रोज यहाँ पढ़ाने के बहाने आओ, मगर यहाँ बैठ कर म्यूजिक सुनो और मुझे डांस करने दिया करो। जब महीना पूरा हो जाए अपनी सैलरी ले जाया करो। कैसे है आइडिया? रानी जी, आप बेहद अमीर हैं, आपके पास बहुत पैसा है, इसलिए आपको पैसे फेंकने की आदत हो गई है, मगर मुझे फेंके हुए पैसे उठाने की बिल्कुल आदत नहीं। मैं गरीब हूँ, मजबूर हूँ, मगर भिखारी नहीं हूँ। I'm sorry, teacher. तुमको बुरा लग गया, मैंने कोई तुम्हारा अपमान करने के लिए नहीं कहा, ऐसे ही बग गए, कुछ जानबूझ कर नहीं कहा। I'm really sorry, teacher. चलो पढ़ो, आज से म्यूजिक बंद, फिर शुरू। सच कह रही हो या फिर मजाक कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ, मेरी कसम, तुम्हारे सर की कसम, बस चलो ना। अच्छा चलो, थैंक यू टीचर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी संस्था इस शहर में एक दवाइयों की फैक्ट्री, एक मंदिर और एक स्कूल चला रही है। दवाइयों की फैक्ट्री को बड़ी खूबी और कामयाबी के साथ चलाने वाले हैं श्री नगेंद्र। हाँ, और नाग देवता के मंदिर को नागलिंगम रेड्डी जैसा भक्त इंसान ही चला सकता है। श्री नागलिंगम रेड्डी, जिन्होंने अपनी सच्चाई और धर्म प्रचार से बहुत से नास्तिकों को आस्तिक में बदल दिया है। नहीं, क्या है, आदत है, निकल जाती। देखो श्री फलना जी अपने बारे में बोलने को शर्मा रहे, मगर मैं नहीं शर्मा रहा, कोई मेरे को शर्म है ही कि नहीं। इन्हें एक स्कूल चला रहे, क्या चला रहे स्कूल इन्हों, आज तक एक पुट्टा पास नहीं हुआ। अगर हम इसी तरह एक दूसरे की तारीफें करते रहे तो सारा वक्त इसी में जाया हो जाएगा। हमारी संस्था के मुख्य श्री धर्मराज जी, जो इस वक्त हमारी सभा में नहीं है, मैं उनके बारे में ये कहे बिना नहीं रह सकता कि उनकी छत्रछाया में इस ऑर्गेनाइजेशन ने बेहद तरक्की की है।
हमारी एक स्कीम ये भी है कि अलग अलग जातियों के लड़के लड़कियों की आपस में शादी करवा के एकता और समानता का वातावरण इस देश में पैदा करें। हनीमून का शब्द तो आपने सुना ही होगा जो सिर्फ अमीरों को नसीब है, लेकिन आप सब लोगों को यह सुनकर नहायत ही खुशी होगी कि ये नए जोड़े जो गरीबों की नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे खर्च पर, इन्हें हनीमून पर भेजा जा रहा है। क्या जोड़े लग रहे हैं? हेलो हेलो, डील पूरा हो गया। Good. तुम हमको इंडियन ब्यूटी सोने का माफिक लड़की लोग सप्लाई किया, इसके बदले हम तुम्हें गोल्ड का बिस्किट देता है। That's good. हाँ देखो, सोने के हैं कि ग्लूकोज के बिस्किट आए हैं। पानी मार को लाया होगा। That's good, Mr. Zabesco. अब सुनो, एक बात का ख्याल रखना, किसी को शक नहीं होना चाहिए, और अगर ये लड़कियां अपने घर वालों और रिश्तेदारों को लेटर लिखना चाहें तो लिखने देना। What? लेटर? अरे डोंट वरी, वो क्या है कि तुम लेटर्स पढ़ लेना, अगर कोई गड़बड़ हो तो सेंसर कर देना, फाड़ डालना। आई सी, ओके। वो मंगलसूत्र कहाँ? कौन से मंगलसूत्र? भाई जो लड़कियों के गले में थे, कहाँ वो? हाँ है। निकालो, मेरे कने है, दे रहा हूँ, क्या चोर समझ रहे मेरे को? ये क्या है? बासी कर रहे बस बस इतने क्या बाकी मेरे को क्या मालूम? देखो झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। ये ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? सर्दी के लिए बुखार है मेरे को, कप कपा रहा हूँ। देखो बुखार है बेईमान, झूठे न फंगे तुम साले, कभी नहीं सुधरोगे। क्या बेईमान लोग आए, थोड़ी सी बेईमानी करने को भी नहीं दे रहे, क्या कर रहे हो? उंगली कहो नाग देवता, गुस्सा मत करो, हम लोग का कांस वाले हैं। हाँ तू हाओ, हमें माल डालने को आए, निकालने को नहीं आए ना। हाँ महाराज, हम तो सांपों से बदतर इंसानों से माल बचाकर आपकी हिफाजत में रखते हैं, आप तो हमारे रक्षक हैं प्रभु। क्या शान है, कितने रूपा है आपके, विष्णु भगवान तुम्हारे ऊपर ऐसे पालती मार को बैठते, जैसे लोग डल्लभ के गद्दे पे बैठते। ओम नमः शिव जी के गले में आप ऐसे लटकते जैसे लोग आगे गले में सोने की चेन लटकती। इसलिए हम अपने माथे पर शिव जी की बभूति और भगवान विष्णु का सीधा तिलक लगाते हैं। अब अगर आप अंदर तशरीफ ले जाए तो हम लोग अपने अपने घर चले जाए। क्या इंसानियत है सापा में, देखो मेरी तो श्रद्धा बढ़ती जा रही, मेरा मन करता बिल में घुस को सापा को लिपट कर हमेशा पड़ा रहा हूँ। अबे ओए, अंदर लिपट के पड़े रहने का दिल करता है या अंदर रखा हुआ सोना हड़पने का दिल करता तेरा? अबे वो कान खोल कर सुन ले, अगर हमारी गैर मौजूदगी में तुमने यहाँ चोरी करने के लिए हाथ डाला तो सांप उसी वक्त तुम्हें डसकर मार डालेगा। देखो नहीं डसते, मेरे कहने सांपा से दोस्ती करने का तावीज है। तावीज? तावीज कहाँ है? तावीज? अबे तारण मेरी इज्जत कर रहा है, देखा देखा सोना फेंक दिए। देखो अगर ऐसी आंदा गंदी हरकत की तो सांप तो तुझे बदल लेने के लिए डसकर मार डालेंगे, लेकिन ये फनराज तुम्हें वैसे ही डस के मार डालेगा। लाल गाड़ी लाल साड़ी, अपने आप को अजीम समझते हो तुम बिल्कुल मामूली हो, आएगी नहीं आएगी। गुरु लाल साड़ी तुम्हारी मोहब्बत की गाड़ी। गुरु तुम आदमी मामूली नहीं, बहुत अजीम हो, अगर ये अनारकली है तो तुम उसके सलीम हो। मान गए हम? क्या हमारा पूरा परिवार मान गया गुरु, लेकिन एक बात तो बताओ, तुमने ये लाल साड़ी का चक्कर कैसे चलाया? या तो तुम्हारी खोपड़ी के ढक्कन के अंदर कोई वायरलेस का सेट छुपा हुआ है। बंजा मेरी बीवी, बेबी ओ बेबी, तू बंजा मेरी बीवी, बेबी ओ बेबी, तू बंजा मेरी बीवी। पलकों पे बिठा के रख दूंगा, तुझे दिल में छुपा के रख दूंगा, अरे तेरे लिए
लड़ जाऊंगा मैं सारी दुनिया से, 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 देवी, ओ बेबी, तू बन जा मेरी बीवी है। उड़ा ज़मीना तेरे मन की बिना मैं छेड़ूंगा ऐसे जतन से, ताजा नए प्यार की एक झंकार निकलेगी तेरे बदन से। हाय स्वीटी पाई, हाय स्वीटी पाई, ओ नाजनी ना तेरे मन की बिना मैं छेड़ूंगा ऐसे जतन से, ताजा नए प्यार की एक झंकार निकलेगी तेरे बदन से। इजहार का तू, इक प्यार का तू, मौका तो मुझको दे 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 दे, दे देवी, ओ बेबी, तू बन जा मेरी बीवी। पलकों पे बिठा के रख लूंगा, तुझे दिल में छुपा के रख लूंगा, हर तेरे लिए लड़ जाऊंगा मैं सारी दुनिया से, 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 देवी, ओ बेबी, तू बन जा मेरी बीवी। फूलों की सेजों पे बाहों की वरमाला पहना के मुझको सुलाना, सर मेरा सहला के चुंबन तू बरसा के ख्वाबों से मुझको जगाना। ओ माय फेयर लेडी, ओ माय ब्यूटी, फूलों की सेजों पे बाहों की वरमाला पहना के मुझको सुलाना, सर मेरा सहला के चुंबन तू बरसा के ख्वाबों से मुझको जगाना। मेरी अर्ज है, तेरा फर्ज है, शादी मुझसे कर ले, 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 देवी, ओ बेबी, तू बन जा मेरी बीबी। पलकों पे बिठा के रख लूंगा, तुझे दिल में छुपा के रख लूंगा, अरे तेरे लिए लड़ जाऊंगा मैं सारी दुनिया से, 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 देवी, ओ बेबी, तू बन जा मेरी बीवी, 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 बीवी। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, हो गया बीवी। मुझे भी दो ना। नहीं दूंगा मैं, बहुत भूख लगी है। बोला ना नहीं दूंगा, छोड़ मेरे कानों। अमर, अमर क्यों रो रहे हो बेटा? आपके पप्पू ने मेरा काना छीन लिया। क्या शर्म नहीं आती तुझे? करेगा इसे क्या हुआ पप्पू बाबा, क्यों रो रहे हो? क्या हो गया? पिताजी ने मारा।
क्यों? क्या किया था तुमने? दीदी आज भी अपने घर में खाने को कुछ नहीं था ना, बेचारे को बहुत जोर से भूख लगी थी, सह ना सका इसलिए अमर का खाना छीन के खा लिया, इसलिए पिताजी ने उसको बहुत मारा। अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए मैंने आज इसे मारा है बेटी। दो निवाले देखकर इसके छोटे से पेट की भूख तो मैं नहीं मार सका, उल्टा इसके मासूम गालों पर चांटे मारे हैं मैंने। पप्पू बेटे, स्कूल में अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने आज तुझे मारा है बेटे, मुझे माफ कर दे। ये दुनिया का उसूल है बेटे, टीचर के घर भले ही भूख हो, उसके बच्चों के पेट में अनाज का एक दाना न हो, लेकिन उसके पास इज्जत होना बहुत जरूरी है बेटे। और उसी झूठी और खोखली इज्जत को बरकरार रखने के लिए मैंने आज तुझे मारा है बेटे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे। दीदी, हमारे क्लास में गोपाल नाम का एक लड़का था, उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया था, इसलिए वो मर गया। दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, दीदी बहुत भूख लगी है। बाबू चलो। भारती हाँ? ये चावल लो, जल्दी से बना लो और बच्चों को खिला दो। हाँ? मगर
मगर ये चावल कहाँ से लाए? वो रेशन की दुकान वाला है ना आनंद, वो मेरा बहुत पुराना विद्यार्थी है। मैंने उसे जाकर कहा, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़े चावल उधार दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो बोला, हाँ ले जाओ सर, पैसे बाद में दे जाना। वो मैं स्कूल जाता हूँ, जरा देर हो रही है। बुआ जी, बुआ जी। हाँ पापा बेटे। भैया को नौकरी मिल गई। सच? हाँ। कौन सी नौकरी? पटेल ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैंने ट्रक ड्राइवर की नौकरी कर ली है माँ। ये क्या माँ, ये आंसू क्यों? बेटा जब अपने नन्हे मुन्ने कदम उठाकर चलने की कोशिश करता है और फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो माँ की आंखों से आंसू बह जाते हैं। खुशी के मारे उसका बेटा चलने लगा है और आज उसी माँ का बेटा जिंदगी की राह पर चलने लगा है। डर लग रहा है, कैसे चलेगा, रास्ता बहुत कठिन है, इसमें बहुत ऊंच रीच है। सिर्फ इसी डर से मेरी आंखों से आंसू बह गए, और कुछ नहीं, और कोई बात नहीं बेटा, और कोई बात नहीं। मैं मर रही हूँ, मेरे बेटे की शादी करा दो। मैं मर रही हूँ, मेरे बेटे की शादी करा दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। अरे तुम्हें ऐसी बोमड़ी मार मार को मेरे पीछे पड़े तो मैं ये मौसा जी इन्हें मंडप से भाग जाने वाली बहुला को मेरी इज्जत की छाती में खड्डा कर दिया ना काटा। तुम्हारी इज्जत जाती है तो जाने दो जी, मेरे बेटे की जवानी जा रही है, उसका क्या, बुड्ढा लग रहा है बेचारा। मैं इसके साथ बाहर जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि बड़े भाई के साथ बाहर जा रही है। बंद कर अपना मुंह, मत कर ऐसी बात, कोई ऐसी बात सुनेगा बुड्ढा तो कौन देगा बेटी मेरे हाथ। अंकल लगता है आंटी सचमुच मर रही है, और मरने वाले के मुंह में तुलसी का पानी डालते हैं, जल्दी से कहीं से लाकर। ये शहर में म्युनिसिपैलिटी का माली नहीं मिलता, तुलसी का पानी तेरा बाबा ला को देगा, फिर मैं करता इसको। कांटा तुम एक काम करो, नारायण नारायण बोलो, तुम्हारा दम जल्दी निकल जाएगा, सीधे स्वर्ग में जाएंगे। आइयो जल्दी मरो, मेरे को काम पर जाने का है ना। अंकल लगता है आंटी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे इनो मर रही तो तू मेरे कान में घोड़े तरी का काय को इन्हें नारा रे, ये पर्दा फट जाएगा तो तेरा बाबा बार को देगा। मेरा बाप क्यों देगा, वो तो मैं ही दूंगा। अगर कान का पर्दा फट जाए तो खिड़की का पर्दा लगा दूंगा। अरे तेरी बे 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 मेरी। अरे इनो मर रही तू मेरे मुंह से काय को गालियां निकलवा रहा रे, तू काम कर जाको नाला ले को आ। नहीं नहीं नाला, हाँ नाला इधर में बांधते वो नाला काय को। अरे देखो इन्हें नारा नहीं बोलती, नारा देखो नारा बोलेंगी ना सोर में जाने का आधा टिकट तो मिल जाएगा, अंदर जाने को नहीं मिला तो दरवाजे पे चटाई बिछा को लेट जाएंगी। नारा ले जा तो ठू। बामे बामे मम्मी खोल दे आके, अगर बिना खोले मर जाएगी, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, जिंदगी भर पछताएगी। अरे बंद कर रहे तेरी ये शायरी, ये क्या चीज मेरे घर में पैदा हो गई है। कांटा आंखें खोलो, ये देखो बोलो नाड़ा भाड़ा, नाड़ा भाड़ा, आयो नाड़ा भाड़ा। क्या औरत है, इसका बाप भाड़ा वसूल करता था, इसको अभी तलाक याद है? अरे भाड़ा नहीं नाड़ा भाड़ा। तुम्हें नहीं जाते स्वर्ग में, किसको मालूम नर्क में भी जगह मिलती कि नहीं, भूत बन को हवा में लटकते रहते थे। अंकल कैसी बातें करते हैं, जरा प्यार से बातें कीजिए, हो सकता है मरने वाला दोबारा जिंदा हो जाए। काहे को, क्या लोग हैं ये लोग, इसको मरने नहीं दे रहे, ये मेरे को जीने नहीं दे रही। कांटा तुम हमारे प्रोग्राम कैंसिल करो, मैं तुम्हारे पोते की शादी करवा को रहता। ये ऐसे नहीं मरने वाली, इन्हें मेरे को मार को, मेरा गोश्त खा को, मेरी हड्डियां चबा को, तभी मरेंगी। जरा देखो कौन ये साइकिल वाला। हाँ, ये हमारे नौकरानी का बेटा है, एक दिन हमारे घर आकर बदतमीजी से पेश आया था। तो क्या करें, शुड बी टीच हिम अ लेसन। ऑफ कोर्स। रानी, इसने हमारी कार डैमेज कर दी। शारा, कार ज्यादा कीमती है या इंसान की जिंदगी? लगता है ये बेचारे काफी जख्मी हो गए हैं। अरे रे रे, हम इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। मगर कौन से वार्ड में एडमिट करवाएंगे? बेचारा अपना हाथ दबा रहा है, शायद हाथ की हड्डी टूट गई है। हम इन्हें
ऑर्थोपेडिक वार्ड में दाखिल करवा दे। नहीं नहीं, ये तो आँख मसल रहा है। तो फिर चलो आई वार्ड से दाखिल करवाते हैं। नहीं नहीं, कान प्रेस कर रहा है। ओ तो चलो ईएनटी वार्ड। अरे ये वार्ड वाली वार्ड मैं बताता हूँ, तुझसे शादी किए बिना तुझे मैटरनिटी वार्ड न भिजवाया तो मेरा नाम तिलक नहीं, समझी? क्या बोली? कुछ नहीं। यो खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चल नमस्ते। नमस्ते, क्या चाहिए आपको? मैं विष्णु प्रसाद की बेटी हूँ। मेरे पिताजी आपसे चावल उधार ले गए थे, मैं उसके पैसे चुकाने आई हूँ। चावल? नहीं तो, मेरे पास से तो कभी चावल लेकर गए ही नहीं। क्या आप शायद भूल रहे हैं, याद कीजिए, चार पांच बार लेके गए हैं यहाँ से। चार पांच बार? नहीं नहीं, शायद बाजू की दुकान से लेकर गए। ओम भवति भिक्षां देहि, ओम भवति भिक्षां देहि, ओम भवति भिक्षां देहि, ओम भवति भिक्षां देहि, ओम। क्या तुम में सच्चाई को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है? लेकिन औलाद का दिल ये कैसे बर्दाश्त कर जाए कि जिन हाथों ने उसकी परवरिश की, जिन हाथों ने उसे रोटी के निवाले खिलाए, आज वही हाथ दूसरों के दर पर फैले हुए भीख मांग रहे हैं। बेटी, अपनी औलाद का पेट भरने के लिए इन हाथों के पास भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। पिताजी, वो इंसान जो आने वाले कल के लिए इस देश के बच्चों का भविष्य बना रहा है, आज वो ऐसी बातें कर रहा है। वो इंसान जो दूसरों को इंसाफ के लिए लड़ना सिखाता है, जो ईमानदारी और इज्जत की जिंदगी गुजारने का आदर्श देता है, आज उसके मुंह से ये शब्द निकल रहे पिताजी, पेट भरने के लिए अगर अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा, अपने जमीर का खून करना पड़ता है, तो इससे बेहतर है कि इंसान खुद अपना खून करके मर जाए। बेटी, अगर मौत ही जिंदगी की हर मुश्किल का हल होता, हर सवाल का जवाब होता, तो ये दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। लेकिन ये जिंदगी तो मौत से भी बुरी है पिताजी। भूख से घबरा कर इंसान मजबूरी के सामने घुटने टेकते, तो फिर इंसानियत रही कहां? भारती, जब इंसान जवान होता है तो उसे समाज और सोसाइटी की परवाह होती है, शादी के बाद उसे बीवी बच्चों की फिक्र होती है, और बुढ़ापे में तो सारे परिवार की। यही तो इंसान की कमजोरी है, यही जीवन संग्राम है, जिसमें रक्त और मांस का संघर्ष नफरत और मोहब्बत के साथ जिंदगी भर चलता रहता है। अपने आंसू पोंछ ले और अपना कर्तव्य कैसे निभाना है उसकी चिंता कर। क्या हाल है? मेरा हाल तो एकदम फिट है, लेकिन तुम भी सड़क में क्यों बैठी हो? किसी को लूटने का इरादा है क्या? देखो मेरी जेब खाली है, जिस्म में मर्दानगी है, उसे लूटना है। Shut up! उस दिन तुमने क्या बका था? मुझे मैटरनिटी वार्ड में भेजोगे? क्यों नहीं जाओगी? भांजो क्या? बकवास बंद करो। तुम ये मत समझना कि मैं यहाँ अकेली हूँ। आज मैं देखती हूँ कि तुम कितने मर्द हो। जरा मेरे आदमियों से मुलाकात करके देखो। आदमियों से? मेरा मतलब है मेरे पहलवानों से। स्टेट चैंपियन। स्टेट चैंपियन? हाँ। कहाँ है वो? अभी दिखाती हूँ। ये लल्लू लोग क्यों स्टेट चैंपियन? एक एक करके आओगे यहाँ एक साथ? आ गए मच्छर।
तुझे मारने के लिए हम तीनों एक साथ क्यों? मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं तुझे जुड़वा टमाटर की तरह कुचल दूंगा। गर्भा डांडिया। अरे कमर मेरी पतली है रे, अरे मुझे मत। अरे बिच्छू, वन लेग वन हैंड आउट रे। वन हैंड वन लेग आउट। घबरा मत, अभी बचा है नागपाल। ऐसी मार मार के लाते उड़ाएगा हवा में जैसे उड़ रहा हो फुटबॉल। आ बेबी, आई एम कमिंग बेबी। बेबी आई एम कमिंग शिट इन योर ट्राउजर्स। या शिट बेबी। They used to call me Clint Eastwood. How do you own a diamond with my hands on my fist? Ouch! Hey man, hey, I'm gonna show you karate. Ah, oh, Bruce Lee! Bruce Lee's me. He's Bruce Lee. Fight, man, fight! Ding, this is not karate. Ding, ka, kam, pa, ding, ka. That's Bharatnatyam. Ouch! That's a good blow. बोल बच्चू। ये देख नागपाल भी किनो पाल बन गया जाला। घबराना मत, अब मैं लूंगा इसकी जान। इसे ग्लोरी बना के खाऊंगा जैसे वो बनारसी पान। आवाज से मेरी डरता है और लड़की पे रोब जमाता है। अब देख मैं हमला करता हूँ, कैसे तू संभलता है। पांच ट्रक ऊपर से गुजर के बाद लेकर आई थी मुझे पिटवाने के लिए। जरा इनकी शक्लें तो देखो। अरे बुद्धिलो, क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? उठो और एक साथ मिलकर उस पर हमला करो। उठो ना। लड़कियों को छेड़ता है। अरे मेरी साइकिल, साइकिल को भगाऊंगा। छोड़ दिल ना तोड़, बिगड़ ना घड़ी घड़ी। किस माँ ने जन्म दिया होके हाथ तू पीछे पड़ी। गुस्सा छोड़ दिल ना तोड़, बिगड़ ना घड़ी घड़ी। वरक्कम गुस्सा छोड़ दिल ना तोड़, बिगड़ ना घड़ी घड़ी। I love you.
अनपढ़ और गंवार गुंडा नहीं जिसे तुम गालियां देना चाहती हो, वो बहुत शरीफ और नेक इंसान है। वो तुम्हें कैसे मालूम? मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, और अगर तुम उसके बारे में जानना चाहती हो तो आओ मेरे साथ। आओ ना। हाँ गुरु, तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें प्रेम का प्रसाद देने के लिए कितने प्रेम से बैठी है। तुम भी जरा प्रेम से बाहर आओ, उससे प्रेम से मिलो। आओ। हेलो हेलो, आपको रंग बहुत पसंद है ना? हाँ, इसीलिए रोजाना नए नए रंग की गाड़ियां लेकर आते हैं। नेचुरली आज मैं काले रंग की साड़ी क्यों पहनकर आई हूँ जानते हो? क्यों पहनकर आई हो? Of course, क्योंकि हम काले रंग की कार में आए हैं। नहीं, काला रंग नापसंद की निशानी है, और मैं तुम्हें ये समझाने के लिए काली साड़ी पहन कर आई हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अगर तुम इज्जतदार और शरीफ आदमी हो तो आज के बाद मेरा पीछा छोड़ दोगे। I'm sorry, तुम्हें हमारे बारे में कुछ गलत फहमी है। हर रोज नई नई कार के साथ साथ नई नई लड़कियाँ बदलना भी हमारी तहजीब नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। अपनी तहजीब, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता हम अच्छी तरह जानते हैं और तुम्हें सिखा भी सकते हैं। तहजीब, सभ्यता, संस्कृति सिखाने से नहीं आती, बल्कि इंसान माँ के पेट से लेकर पैदा होता है। जरा अपनी प्रेमिकाओं की लिस्ट देखकर बताना तो सही कि हमारी भारती का नंबर कौन सा है। ओ आई सी, तो तुम इसे जानते हो? क्यों, कल से पीछा करना छोड़ दोगे? क्यों, हम कोई बुजदिल हैं? प्यार की दुनिया में बुजदिल का कोई काम नहीं। और सुनो, तुम तो क्या, अगर तुम्हारा बाप भी आ जाएगा ना तो हमें नहीं रोक सकता। हम इस लड़की से प्यार करते हैं और इसी लड़की से शादी भी। शाबाश, उस दिन तुमने बड़ा सीना ठोक कर कहा था कि शादी बुजुर्गों की मर्जी से होनी चाहिए, यही हमारी सभ्यता है, यही हमारा धर्म है। आज कहां गया तुम्हारा धर्म? यही है तुम्हारी सभ्यता की राह चलती कि गरीब लड़की का पीछा करो, उससे इश्क मोहब्बत की बातें करो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और उस दिन तुमने ये भी कहा था कि प्यार में कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, और इस वक्त तुम हमारे प्यार में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतिहास गवाह है कि तुम जैसे अमीर लड़कों ने गरीब और मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर डाली। और इतिहास इस बात का भी गवाह है कि जब सलीम और अनारकली शादी करके एक दूसरे के हो जाना चाहते थे, उस वक्त तुम जैसे तीसरे आदमी ने आकर उनकी कब्रें खोद दी और उनकी मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया। क्या बात है, ये क्या हो रहा है?
आपके बेटे को शादी की बहुत जल्दी है, फौरन शादी करवा दीजिए इसकी। चलो भारती। राजेश्वर ये हम क्या कर रहे हैं? हम तो तुम्हें फैक्ट्री की जिम्मेदारी देना चाहते थे, क्या तुम जिम्मेदारी इस तरह निभाओगे? चलिए हम आपसे बात करने ही वाले थे। आओ चलो हमारे साथ आओ। अरे हम दोनों के भी तो जवान बेटे हैं, उन दोनों में से किसी एक को मैनेजर बना सकता था वो, लेकिन मना दिया अपने बेटे राजेश्वर को उसने। क्या है मजाक है? कभी उसका पोटा हमारे मामला में टांगा डालना शुरू किया तो हमारी आमदनी की टांगा कट को ले जाएंगे ना। अरे कोई चांस मांग नहीं करेगी, हम लोगों के पास हमारा प्राइवेट बैंक नहीं है क्या है? खामखा धर्मराज को मत भड़काओ, कहीं लोगों की नजरों में मंदिर वाला खजाना आ गया ना तो मुंह छुपाने के लिए हमें सांपों के बिल में घुसता रहना पड़ेगा। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते, आइए बैठिए। देखिए मास्टर जी, कल 15 अगस्त आजादी का दिन है, इसलिए हमारी फैक्ट्री के चीफ श्री धर्मराज जी के बेटे राजेश्वर बाबू झंडा वंदन के लिए यहाँ आ रहे हैं। जो हुकुम। अरे जो हुकुम वगैरह कहने से काम नहीं चलेगा मास्टर जी, देखो वो इस जगह के लिए नए हैं और इस बात का अच्छी तरह से ख्याल रखना कि उन्हें यहाँ किसी किस्म की कमी महसूस होने ना पाए। जी हाँ। अरे जी हाँ वगैरह कहने से काम नहीं चलेगा मास्टर जी, अपने बच्चों को ये वंदे मातरम वातरम आता है कि नहीं? वंदे मातरम के बारे में मालूम नहीं, लेकिन जन गण मन बहुत जम के गाएंगे। ओहो जम कर गाएंगे, सिर्फ वो कहने से काम नहीं चलेगा, अपने स्कूल में वो तिरंगा झंडा वंडा है कि नहीं? पप्पू। जी पिताजी। देखो अपना राष्ट्रीय ध्वज लेके आओ, जाओ। सुनो अगर हमारे स्कूल में कोई गड़बड़ है तो हम आपस में बैठकर उसे हल कर लेंगे, यही डोनेशंस वगैरह वगैरह के बारे में। हाँ। ये रहा झंडा। अरे ची 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 ची, ये क्या? इतने सुराख चूहों ने कतर लिया है क्या? जी हाँ, जिस तरह अमीर इस देश को कतर कतर कर खा रहे हैं उसी तरह इस झंडे को चूहों ने कतर कर खा लिया है। ए मास्टर, अपना ये भाषण ये सबक बच्चों को सुनाना वो तुम्हें गौर से सुन लेंगे, अगर तुम हमें सुनाओगे ना तो इस झंडे की तरह हम तुम्हें कतर कर रखते हैं। और कान खोल कर सुन लो, कल झंडा वंदन का जश्न यहाँ बहुत शानदार तरीके से होना चाहिए, समझे? लीजिए राजेश्वर बाबू आ गए। वेलकम वेलकम राजेश्वर बाबू। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार, आपने हमें पहचाना? बचपन में हम आप ही के स्कूल में पढ़े थे। अरे वाह, इतना पुराना उस्ताद अभी तक याद है तुम्हें? सर आपको कैसे भूल सकते हैं, आपके पढ़ाने का तरीका, आपके वो जोक्स, वाह क्या बात थी सर, आप जोक्स सुना करते थे, हंसते हंसते हमारे पेट में पल पड़ जाया करते थे। अच्छा, अच्छा? हाँ ये कम्बख्त पेट है ही ऐसी चीज, खुशी हो या दुख इसमें हमेशा बल पड़ जाते हैं। अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। इट्स ऑलराइट सर। मास्टर जी लाइव होस्टिंग में अभी थोड़ा सा टाइम है, क्यों ना पुरानी यादें दोहराई जाए, कोई जोक वोक हो जाए। हो जाए हो जाए। आप जोक सुनना चाहते हैं? ऑफ कोर्स मास्टर जी, कोई अच्छा सा मजेदार जोक सुनाइए। हम लोगों को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। मास्टर जी हमने आपको जोक सुनाने के लिए कहा था। मैं जब भी इस बात का जिक्र फनराज जी से करता हूँ ये खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, इसलिए मैंने सोचा इस मौके पर सुनाने के लिए इससे अच्छा जोक और क्या हो सकता है। मिस्टर फनराज ये हम क्या सुन रहे हैं, पिछले 6 महीने से आपने इन लोगों को तनख्वाह क्यों नहीं दी? राजेश्वर बाबू अगर आप पूछते हैं कि क्यों नहीं दी तो इस क्यों की बहुत सारी वजह। आई डोंट वांट एनी ब्लडी एक्सप्लेनेशंस। आधे घंटे के अंदर अंदर इन सब की तनख्वाह मिल जानी चाहिए, उसके बाद झंडा लहराया जाएगा। उस्ताद को भूखा मारते हो और स्टूडेंट से देश के झंडे को सलामी दिलाते हो, अरे झंडे का अपमान है, देश की तौहीन है। एट वंस आई वॉन्ट इट डन, गो। मिस्टर विष्णु प्रसाद जी चलिए सबको बुलाइए, आइए चलिए आइए सब लोग। नमस्ते। अरे आप? जी हाँ विष्णु प्रसाद मेरे पिताजी हैं। अरे बाप रे मर गए, इसका मतलब है आप हमारे उस्ताद की बेटी हैं? हाँ। ये मेरा भाई है श्याम। हेलो। हेलो। और ये मेरा छोटा भाई है किशोर। हाँ। मेरा नाम किशोर नहीं है, पप्पू है। पप्पू। हेलो पप्पू, बहुत अच्छा नाम है। हम लोग इसे प्यार से पप्पू पुकारते हैं। लोग आपको प्यार से क्या पुकारते हैं? मैंने आपको गलत समझा, बुरा भला कहा। हाँ। उसके लिए आपसे
क्षमा चाहती हूँ। नहीं, आपने बिल्कुल कुछ बुरा भला नहीं कहा, सही कहा, एब्सोल्युटली करेक्ट। आज मुझे पता चला कि अमीर इंसानों के सीने में भी एक हमदर्द दिल होता है जो दूसरों का दुख दर्द समझ सकता है। अब मैं कभी काली साड़ी पहनकर आपके सामने नहीं आऊंगी। जी जल्दी करो। ए, सवाल क्या रखो शंकर? वो जो दाएं बाजू बक्से रखे हैं ना, उनको अनुराधा मेडिकल स्टोर में दे देना। हाँ मालूम है यार, जरा आंख खोल के माल देना, कहीं गलती से तुमने नकली दवाओं के बक्से किसी और को दे दिए तो हम सब मारे जाएंगे और मालिक तो मेरी जान ही ले लेगा। अरे फिक्र मत करो, ये दवाइयाँ तो मैं रोज देने जाता हूँ, आज तक कभी कोई गड़बड़ हुई है क्या? ए, कौन सी नकली दवाई है इस लॉरी में? चल दे अपना काम कर, सुबह सुबह चला के आया क्या? अबे मुंह संभाल के बात करना तो मुंह तोड़ दूंगा। उतारिए नकली दवाई इस लॉरी में से, उतार सके नहीं? अरे अरे भाई साहब अपना काम करो ना, बड़े लोगों के बीच टांग क्यों अड़ाते हो? बड़े लोग? अभी देखता हूँ बड़ों को। हट। मेरी लॉरी में जो नकली दवाइयों के बक्से रखे हैं, क्या वो तुम्हारे हुक्म से रखे हैं? और अगर रखे हैं तो फौरन उतार के जाएं। तुमने जिंदगी में कभी इतने रुपए देखे? और तुमने कभी जेल की सलाखें देखी हैं? दिखाओगे? नहीं, गिनवाऊंगा। कुत्ते के पिल्लो, वो तुम्हारे सामने ट्रक लेकर चला गया और तुम यहां पे तमाशा देख रहे हो? राजेश्वर स्पीकिंग। हाँ गुरु, नागपाल बोल रहा हूँ। हमारी कंपनी की दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लॉरी से निकाली गई हैं। लेकिन मुझे बाद में मालूम पड़ा कि उसके में नकली दवाइयाँ हैं जो ड्राइवर की मिली भगत से ले जा रही है। कौन है वो ड्राइवर? तिलक गुरु, ये वही तिलक है जिसने पहले भी हमसे टकराने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि वो हमें बदनाम करने के लिए ये चाल चल रहा है। पुलिस को फोन करूं? नहीं नहीं नहीं, गाड़ी का नंबर MZ1122। ट्रक वापिस लो। क्यों, तुम ट्रैफिक पुलिस वाले हो क्या? हम इस ट्रक में रखी हुई दवाइयों के मालिक हैं। मतलब आप सिर्फ नकली दवाइयां ही नहीं बनाते बल्कि मुजरिमों को अपना दोस्त भी बनाते हैं। शराब कंट्रोल, हमें सब पता चल चुका है। हमसे जाती दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुम और लोगों के साथ मिलकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कौन किसको बदनाम और धोखा देने की कोशिश कर रहा है, इसका फैसला पुलिस स्टेशन में हो जाएगा। पुलिस स्टेशन? गुड, वेरी गुड। हमें देखते ही रंग बदलना शुरू कर दिया। अरे हम पहले समझते थे कि तुम एक जिद्दी किस्म के और सर फिरे इंसान हो, आज पता चला हम गलती पर थे। तुम तो गाहक देखकर पुड़िया बांधते हो, पार्टी देखकर चोला बदलते हो। पुड़िया बांधना और पार्टी को देखकर चोला बदलना, ये अमीरों की फितरत है। हम फजूल की बातों के आदि नहीं है। ट्रक को वापस लाओ। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कि तुम जो हुक्म दोगे मैं वही करूंगा। खबरदार, ये हमारी और हमारी कंपनी की इज्जत का सवाल है। तुम्हारा ट्रक एक इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। अपनी कार को रास्ते से हटाओ वरना इज्जत के साथ साथ अपनी कार को भी खो बैठोगे। Thank you.
पकड़ो इसे, लगा लो हाथ गिरी से, चल दे। ये क्या इंस्पेक्टर, इस मामले में हम दोनों शामिल थे, क्या तुम्हारी हथकड़ी अमीरों से डरती है? हथकड़ी अमीर या गरीब को नहीं, सिर मुजरिम को लगाई जाती है। जाने दीजिए सर, इन छोटे लोगों को मुंह नहीं लगा करते। अच्छा, हम छोटे हो गए। चलिए, आज जिंदगी में ये सबक तो सीखने को मिल गया। ये तो मालूम था कि शरीर बेचने वाली को वेश्या कहते हैं, लेकिन अपने फर्ज को बेचने वाले, अपनी वर्दी को गिरवी रखने वाले को क्या कहते हैं, ये शायद पुलिस स्टेशन में जाकर सीखने को मिल जाए। चल, ले जाओ इसे, और तुम दोनों इस लॉरी को गाइड करो। राजेश्वर, तुम मेरी गाड़ी लेकर घर चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। हवलदार, देखा उस आराम ज्यादा ने कितनी अच्छी गाड़ी को बर्बाद करके रख दिया। हाँ सर। सिगरेट पियोगे? लो पियो। थैंक यू। अरे यार तुम भी पियो, अरे पूरा पैकेट रखो यार। थैंक यू सर, एंजॉय। उसूलन तो हम जैसे दौलतमंद और इज्जतदार आदमी को तुम जैसे एक मामूली इंसान से मिलने नहीं आना चाहिए था, लेकिन लेकिन धर्मराज जी, मजबूरी मजबूरी बाज़ औकात बादशाह को फकीर से मिलने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल सच कहा है तुमने। खैर ये बताओ, हुआ क्या था? हम अस्केत जानने आए हैं। आपकी फैक्ट्री से असली दवाइयों के नाम पर नकली दवाइयां मार्केट में भेजी जाती हैं। ओह नो, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर, किसी को पहली बार पता चले कि उसकी पत्नी बदचलन है या उसका बेटा आवारा है तो वो कभी नहीं मानेगा। उसी तरह आप भी नहीं मान रहे। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो खुद चुपके से जाकर फैक्ट्री की तलाशी लीजिए, आपके कदमों के निशान कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। ओके। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते मास्टर जी, आइए बैठिए। नंबर 105 किलक को छोड़ दो। चल बेटा। शारदा, भाई साहब। ये साहब, कल शाम तक गाड़ी तैयार हो जानी चाहिए। कल शाम तक क्या, मैं आज शाम तक कर दूंगा। शाबाश। तिलक, अब तिलक, तुम्हारे कहने के मुताबिक हमने अपनी सारी फैक्ट्री छान डाली, लेकिन नकली दवाओं का वहां कहीं नामो निशान तक नहीं मिला। घर के चोर को तो भगवान भी नहीं पकड़ सकता। सच कह रहे हो तुम, इसीलिए हम तुम्हें यूनाइटेड फार्मास्यूटिकल एंटरप्राइजेस में नौकरी देना चाहते हैं। अचानक मुझ पे ये मेहरबानी क्यों? हमारी कंपनी में कोई गलत काम हुआ है या नहीं ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसने किसी गलती की तरफ इशारा किया है। हालांकि हमारे पास कुछ सबूत नहीं है, फिर भी हमें पूरा विश्वास है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सच कह रहे हो, और साथ ही साथ हमें यह भी विश्वास है कि तुम जैसे शरीफ और ईमानदार आदमी की वजह से हमारी कंपनी बहुत तरक्की करेगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सब जल्दी आ जाओ, कम ऑन, लेट होगा मैं डैड। पल रुक जाओ डैड, जब से धर्मराज जैसे चीफ काउंसिल की नौकरी पर रखा है हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। दवाइयों में कुछ ऊपर नीचे कर ही नहीं सकते हैं। कम ऑन, रिलैक्स माय सन, यू डोंट वरी। ये तो क्या इसका बाप भी हमें रंगे हाथों नहीं पकड़ सकता है। मैं आज ही फनराज से बात करता हूँ, फिर देखता मैं इसे कैसे ऊपर से नीचे करता हूँ। कम ऑन रामदास पठान, कम ऑन। जाओ बेटा, जाओ जाकर नाटक शुरू करो। और मैं जनमन गन गाता हूँ, और मैं हल उसे घगरे सरी का पर्दा गिराता हूँ। डैड, अब मेरा नाटक देखना। गुड लक।
लगता है गेम से ज्यादा तुम्हारा ध्यान कहीं और है। ट्राई एंड इंप्रूव योर गेम। सी यू टुमारो सेम टाइम। मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग मिस रानी। मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आया हूँ। मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। सीधे बोलो ना, रुपए चाहिए। करेक्ट। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? मुझे 5,000 रुपए चाहिए, हफ्ते भर में लौटा दूंगा। तो आपने कैशियर से क्यों नहीं मांगा? नहीं बाबरे नहीं, वो कैशियर नहीं, कैशियर के नाम पे कलंक है। उस दिन हमारे बिच्छू रेड्डी की ऐसी हालत की कि वो हाथी के साइज का आदमी चूहे का साइज का बन गया। बहुत कड़क है वो कैशियर। ऐसी बात है तो हम अपने नाम पे लेके तुम्हें दे देते। नो चांस, आपको भी नहीं देगा। ऐसे कैसे हो सकता है? व्हाट डू यू मीन? कोशिश करके देख लीजिए, मगर वो नहीं देगा, किसी भी हालत में नहीं देगा। शर्त लगी? ओके, 5,000 की। डन डन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो, आपने मुझे याद किया? हाँ, हम ये जानना चाहते थे कंपनी का कितना कैश है। जी 1,75,000 रुपए। हमारे नाम पे एंट्री करके 10,000 रुपए ले। 10,000? किस लिए सर? किस लिए? तुम पूछने वाले होते कौन हो? गो एंड गेट द मनी। सॉरी सर, चीफ का हुक्म है कि बगैर वजह जाने किसी को भी 2,000 से ज्यादा की रकम न दी जाए। हमें अभी और इसी वक्त रुपया चाहिए। पहले जाकर रुपया लेकर आओ, चीफ से हम खुद बात कर लेंगे। सॉरी सर, रूल्स विल नॉट परमिट, मैं कैश नहीं ला सकता। टू हेल विद द रूल्स ऑफ द कंपनी। तुम होते कौन हमें रूल समझाने वाले? ये कंपनी का नफा नुकसान हमारा है, ये कंपनी के पैसे हमारे हैं, हम इसे फूके या जला डाले। हु द हेल आर यू टू इंटरफेयर? मैं यहाँ सिर्फ आप अकेले का हुक्म मानने के लिए नहीं रखा गया। मैं इस कंपनी के तमाम पार्टनर्स का मुलाजिम हूँ और उन सबकी जिम्मेदारी निभाना मेरा काम है। आप सबों ने मिलकर इस ऑफिस के लिए कुछ उसूल, कुछ कानून बनाए हैं। आप एक जिम्मेदार आदमी होकर उन उसूलों को अपनी जिद की ठोकर से तोड़ेंगे तो दूसरे मुलाजिमों पर उसका क्या असर पड़ेगा? हमें सबक सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पैसा लाते हो या नहीं। आई स्टैंड बाय माय वर्ड, आई कांट ब्रिंग द कैश। ऑलराइट, आई विल डिसाइड इन द बोर्ड मीटिंग, यू कैन गो। सर, मैं आपकी कंपनी में काम करता हूं, आप मेरे एक एक मिनट की कीमत मुझे तनख्वाह के रूप में अदा करते हैं। दोबारा फजूल की बातों के लिए बुलाकर अपना रुपए और मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। कितना बददिमाग किस्म का आदमी है ये? ये बददिमागी नहीं है मिस्टर नागपाल, ये वफादारी है, ईमानदारी है। इस जैसा एक आदमी हो जाए दफ्तर के लिए काफी है। देखो, अब तुम रंग मत बदलो, तुम शर्त हार गए, चलो निकालो रुपए। इट्स नॉट लाइक दैट, हम तो उसे जांच रहे थे। जैसे हम सोना समझ कर जांच रहे थे वो तो हीरा निकला। हम डैडी से बात करके उसकी तरक्की की रिकमेंडेशन करेंगे। अच्छा, और अगर मैं उसे तुम्हें रुपए लाकर दिखा दूं तो? इम्पॉसिबल, जिसने हमें मना कर दिया वो तुम्हें क्या देगा? ये तुम्हारे लिए। ये तो कमाल है, तुम शर्त लगाओ, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। चलो राजेश्वर के हिस्से की हम शर्त लगा लेते हैं कि तुम रुपया नहीं ला सकती। ये बात है? नहीं बात है। तो लगी 5,000 की? लगी। डन डन। ये रख लो, इसे कहाँ डालो? ठहरो भाई ठहरो। तुम तो ऐसे पोज मारती हो जैसे पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा सिंचर और ईमानदार आदमी कोई है ही नहीं। जाओ अपना काम करो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अच्छा, मुझे 5,000 रुपए दो, मैं चली जाती हूँ। इतना दिमाग वहाँ खपा कर आया हूँ, अब तुम वही किस्सा दोहराने आ गई? ऐसी बात नहीं, हम दोनों तो वो है ना। वो? हाँ। मतलब क्या? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कब से? तारीख तो मुझे याद नहीं, मगर प्रेम का जब कुछ मांगे तो प्रेमी को सब कुछ देना चाहिए, उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। अगर कुछ हो तो कुर्बान करूं, या तो खुद कुर्बानी का बकरा बना हुआ हूं। तुम्हारे लिए कुर्बानी करने के लिए क्या लाऊं? तुम्हारे पास कैश रुपए नहीं है क्या? ये मेरे बाप का माल है जो दे दूं। अब मैं क्या करूं, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, प्लीज मुझे बहुत अर्जेंट है। ठीक है, मैंने त्योहार के लिए 250 रुपए एडवांस लिया है, वो दे दूं? कितने? 250। 250 बस? नहीं चाहिए क्या? अच्छा बाबा लाओ। उफ, तुम बहुत जिद्दी हो। My God! क्या हुआ? यहाँ से सारा रुपए गायब हो गया। शर्मा जी, जी? शर्मा जी, जी? जब मैं MD साहब के रूम में गया था, यहाँ कोई आया था? पता नहीं सर, क्या हुआ?
सेफ में से सारा कैश गायब हो गया। क्या कैश गायब हो गया? हाँ सुना तुमने, ऑफिस से सारा कैश गायब हो गया। हेलो सर, मैं तिलक बोल रहा हूँ। अचानक सेफ में से सारे रुपए गायब हो गए। व्हाट? क्या बक रहे हो? हम अभी आ रहे हैं। तिलक, परेशान और घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है ये जरूर किसी की चाल है। लेकिन ठीक से याद करो, तुम रुपए कब लाए थे? मुझे अच्छी तरह याद है, आज बैंक हॉलीडे है, इसीलिए मैंने कल बैंक से रुपए लाकर सेफ में रख दिया था। इसकी चाबी और किसके पास है? एक मेरे पास और दूसरी चेयरमैन साहब के पास। ये क्या है मेरा? हम क्या सुन रहे हैं, सच है क्या? यस सर। कितना रुपया था? 175,000। 175,000? तुम्हें इतना रुपया ऑफिस में रखने की जरूरत क्या थी? स्टाफ को बोनस देना था सर। नाटक कर रहा है ये पोटा, झूठ बोल रहा है नो? पैसा खुद चरा के शराफत के बोंगलियां मार रहा। मिस्टर रेड्डी क्या है, अक्षा दिखाया तो उंगलियां डाल को, ये गुटलियां मार निकाल को, गड्ढे में फेंक देता मैं। आगे क्या दिखाता है? ठीक ही तो कह रहे हैं रेड्डी साहब, तुम्हें एक महीना नहीं हुआ ऑफिस में आए हुए और 175,000 रुपए गवा दिए। तो क्या मुझ पे शक कर रहे हैं आप? रहती है तुम्हारे पास ही सारी चाबियां, पैसे और कौन चुरा सकता है बोलो मियां? आप लोग गलत शक कर रहे हैं, ये इस किस्म के इंसान नहीं है। ये किस किस्म का इंसान है वो इसके चेहरे की किताब पर लिखा हुआ है। तुम ना समझो, ऐसे आदमी को नहीं पहचान सकती। खामोश रहो, बीच में मत बोलो। ये सब झूठ है, साजिश है, कम से कम आप तो मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास और तुम पर? जब इन्होंने उस दिन तुमसे रुपया मांगा, तुमने रुपया देने से इनकार कर दिया, बल्कि तुम जिद कर रहे थे। मुझे उसी टाइम शक हो गया कि कोई गड़बड़ है। मिस्टर तिलक, हमें विश्वास है कि यह गरीब आदमी अपनी जान पे खेल जाएगा, लेकिन किसी की अमानत में खयानत नहीं करेगा। सर सच बताओ कि पैसा कहाँ है? सर आप जिसकी चाहे, मैं उसकी कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच है। देखो तिलक, अगर इन लोगों के सामने बताने में घबरा रहे हो तो हमें बाहर निकाल देते, हम अकेले में बता दो ताकि मामला हम आपस में हल कर लें, वरना मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। राजेश्वर, क्यों अपना और हमारा वक्त बर्बाद करते हो? ये ऐसे नहीं बताएगा। शोले आंखों में लिए देखता है किस लिए? बता कम। स्टॉप इट। आइए धर्मराज जी आइए, देखिए यहाँ क्या नाटक हो रहा है। हमने हमेशा आपको अपना बड़ा समझा, अपना लीडर माना, इस कंपनी का चीफ बनाया और उसके बाद भी हमें इनो हमारे मुंह पर पट्टी डाला, हमारी इज्जत पे झाड़ू फिराया और हमें लोगों का चुप बैठ कर रहे गए। को तुम ना बुरा लगेगा, अपने होटल सी को जहर पी को बैठ गए। देखिए धर्मराज जी, हम इस कंपनी में पार्टनर्स हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं, मगर आपकी वजह से हम इसकी बदतमीजियों को बर्दाश्त करते रहे। ये मालिक बनकर हमसे नौकरी की तरह सवाल करता रहा और हम मजबूरन इसके हर सवाल का जवाब देते रहे, सिर्फ आपकी खातिर। आपकी वजह से ये अपनी हैसियत भूल गया कि ये यहाँ पर एक नौकर और हम यहाँ के मालिक हैं। इसने हमारी कंपनी के दो इज्जतदार डायरेक्टर्स मिस्टर बिच्छू रेड्डी और नागपाल पर हाथ उठाया, उन्हें मारा। हाँ, ऊपर से क्या शानदार करिश्मा दिखाया, 175,000 रकम कर को डगारा तक नहीं ले रहा। तो धर्मराज अब बताओ इसे और कौन सी ऊंची पोस्ट देना चाहते हैं ताकि हमें और ज्यादा जलील करके और ज्यादा आसानी से इस कंपनी का माल हजम कर सके। बोलिए। इन दोनों से माफी मांगो। नहीं सर, हम कहते हैं पहले इन दोनों से माफी मांगो, उसके बाद हम सारा मामला सेटल करेंगे। किस मामले को सेटल करेंगे आप? क्या किया है मैंने? मैं इनकी साजिशों को नाकाम करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे चोर साबित कर रहे हैं, और आप कहते मैं इनसे माफी मांगू? ऐसे चोर, बदमाश और मक्कारों के साथ काम करते करते आपकी सच्चाई को परखने की सलाहियत घाक में मिल गई है। सच्चाई और इंसाफ का खून करने वाले लोग आज सच्चाई का इम्तिहान ले रहे हैं। अगर मैं जबान खोलूं तो तुम सब बर्बाद होकर रास्ते के भिखारी बन जाओगे। मैंने बेटे को गरीबी की धूप में जल जल कर पाला। अगर मुझे तुम्हारी जायदाद की जरा भी लालच होती तो मेरा बेटा इस फैक्ट्री में मजदूर की तरह काम ना करता। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी इस दौलत की दुनिया को हिला के रख दूँ। मेरी एक दस्तखत तुम्हारी इस फैक्ट्री तुम्हारी सारी जायदाद के दो टुकड़ा करके रख देगी, और एक का मालिक मेरा बेटा होगा। इसलिए तिलक की तरफ आंख उठाने से पहले ये सोच लेना कि तिलक मेरा बेटा है। चल तिलक। डैडी,
उसने कंपनी के इतने सारे रुपए चुराए। वो औरत चीख चीख के आपको ललकारती रही, लेकिन आपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो अपने बेटे को अपने साथ ले गई और आप सर झुकाए खड़े रहे। ना पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, ना केस दायर किया। क्यों, क्या वजह? हम जानना चाहते हैं कि उस औरत के साथ हमारा क्या रिश्ता है। बताओ माँ बताओ, जो लोग तुम्हारे आने से पहले मुझे चीख चीख कर मुजरिम कह रहे थे, चोर कह रहे थे, तुम्हारे आते उनकी जबानें बंद क्यों हो गई? तुम बोलती गई और वो बेजुबान पत्थर की मूर्तियों की तरह सर झुकाए खड़े रहे। बोलो माँ, हमारा उनसे क्या संबंध है, क्या रिश्ता है हमारा उनका? बताऊंगी बेटे, जरूर बताऊंगी। धर्मराज तुम्हारे पिता के बड़े भाई हैं। तुम्हारे पिता का नाम सत्यजीत था। दोनों भाइयों के रहने सहने और सोचने के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क था। तुम्हारे पिता एक क्रांतिकारी थे। देश की भलाई और उन्नति की तमन्ना उनके खून में थी। इसीलिए उन्होंने देश में इनकलाब लाने के लिए इनकलाबियों की एक जमात, एक संगठन बनाने का फैसला किया। और एक दिन बेरहम समाज के जालिम ठेकेदार जो रोटी के लिए आह वो फरियाद करते हुए गरीबों की आवाज को अपनी दौलत के झनकार से दबा रहे हैं, जो अपनी दौलत के पत्थर से इंसानी दिलों के शीशों को चकनाचूर कर रहे हैं, जो एकता मिटाकर हर दिल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का फर्क पैदा कर रहे हैं, ऐसे समाज को और ऐसे जालिम ठेकेदारों को हमें खत्म करना है और एक नए समाज की बुनियाद रखनी है, जिस समाज में ना कोई जालिम होगा, ना कोई मजलूम, ना कोई आका, ना कोई गुलाम। आओ हम सब मिलकर एक ऐसे नए समाज की बुनियाद रखनी कसम खाते हैं। सत्यजीत, अपने मकसद में कामयाब होने के लिए सिर्फ जज्बात से काम नहीं चलेगा। हमें धन चाहिए, दौलत चाहिए, गोला बारूद चाहिए, हथियार चाहिए। अरे वो धन कहां से आएगा, हम हथियार कहां से खरीदेंगे? उसका सिर्फ एक ही तरीका है, हमें डाके डालने होंगे, सरमायादारों को लूटना होगा। नहीं, हम यहां ये कसम खाने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि आज के बाद कोई लूटमार नहीं होगी। अगर बाजुओं में ईमान की ताकत, दिलों में सच्चाई और जुबान पे इनकलाब जिंदाबाद का नारा है तो जिंदगी का हर मकसद हमारे कदमों में होगा। नहीं सत्यजीत, ये सच्चाई नहीं। सच्चाई दरअसल ये है कि तुम खुद एक पैदाइशी अमीर हो, इसलिए अमीरों के साथ तुम्हें हमदर्दी है और तुम सरमायादारों को लूटने से हिचकिचा रहे हो। ए, अगर तुम्हें मेरे लीडर बनने में विश्वास नहीं है तो फिर यह इनकलाब की तहरीक शुरू करना बेकार है। काय को बेकार है, तुम्हें जो बोल रहे हैं वो भी बराबर है, इन्हें जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है। इनकलाब तो आएगा मगर उसको लाने को पैसे होना ना बाबा, पैदल चल के तो नहीं आएगा। हमें लोग गरीब लोग, हमारे पास पैसा कहाँ है, नमक में घास में आपको खा रहे। ठीक है, अगर आप लोगों का ख्याल है कि पैसा ही इनकलाब की ताकत है, उसके बगैर क्रांतिकारी और कदम आगे नहीं बढ़ सकते, तो मैं आज ही सारी जायदाद बेचकर पैसा लाता हूं और क्रांतिकारी और कदमों में डाल देता हूं। सत्यजीत, ये पैसा कहां ले जा रहे हैं? मैं इस काले धन को रोशनी दिखाने ले जा रहा हूं जो मुद्दत से एक लोहे की तिजोरी में बंद पड़ा है। रोशनी में जाकर ये धन क्या करेगा? ये गरीबों की भूख मिटाएगा। सत्यजीत, हमें मालूम है नई नस्ल ने आजकल एक नया नारा निकाला है, गरीबों की भूख मिटाओ, दुनिया से गरीबी हटाओ। एक बार मुड़कर अपने साए से सवाल करो, हमारे दादा के पास जायदाद कितनी थी, हमारे बाप के पास जायदाद कितनी थी, गरीबी को छलांग कर हम अमीर कैसे बने? व्यापार करके कमाया है। जिसे तुम व्यापार कहते हो उसे मैं डाका कहता हूं। धन को, हुकूमत को मुट्ठी में रखकर राज करने वाले अमीरों को अगर खत्म कर दिया जाए तो इस दुनिया से अमीरी और गरीबी का फर्क हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सत्यजीत, तुम्हारी इस बहस का कोई सिर पैर नहीं। हजारों खानदान इस बहस में तबाह हो गए कि घर में पत्नी का हुक्म चलेगा या पति का, कौन किसके उसूलों पर चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस तरह का प्रजा राज्य तुम लाना चाहते हो वो यहां कभी कायम हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारी हर धर्मी को नहीं मानता, मैं अपनी जायदाद में से जायज हिस्सा लेकर जा रहा हूं। कौन सा हिस्सा, कैसी बातें करते हो? जिस वक्त तुम देश को आगे बढ़ाने के लिए गली कूचों में भटक भटक कर अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे, उस वक्त हमने अपने परिवार के लिए अपना खून पसीना बहाकर ये दौलत कमाई है। यह हमारी मेहनत है, यह हमारी दौलत है, इसके बंटवारे का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम ये बात सिर्फ मेरे इरादे बदलने के लिए कर रहे हो या सचमुच कह रहे हो? हम तुमसे हकीकत बयान कर रहे हैं। ओ तो धर्मराज साहब, आप भी डाकुओं की ज़हनियत रखने वाले एक लुटेरे हैं। होश की बातें करो सत्यजीत, तुमसे पहले भी इस मुल्क में बहुत से देशभक्तों ने जन्म लिया है, मुल्क और कौम के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया है,
ये सच है कि उस वक्त उन लोगों ने उनको इज्जत दी, उन्हें सराहों पर बिठाया, लेकिन आज आज उनके बच्चों की क्या हालत है, सड़कों पे घूमते हुए भीख मांग रहे हैं। इसलिए मेरे भाई हमारी बात मान लो और इस देशभक्ति के ख्याल को दिल से निकाल कर फेंक दो। ओ, तो सारे फसाद की जड़ सिर्फ पैसा है, और जब तक ये दौलत सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में तलवार बनकर रहेगी तब तक खुद गर्दी जिंदा रहेगी, जैसा कि आज तुमने साबित कर दिया कि ये पैसा ये दौलत खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा कीमती है। चलो शारदा, चलो शारदा। सत्ती जी गुस्सा मत करो, अपने भाई को समझने की कोशिश करो, ये घर छोड़कर मत जाओ भैया। भाभी मैं जज्बात और रिश्तों की दुनिया से बहुत दूर निकल चुका हूँ, एक नई रोशनी की तरफ, अब दोबारा अंधेरे में लौट कर आना मेरे बस में नहीं भाभी। शारदा कम से कम तुम तो मेरी बात मान जाओ। मुझे इन पर और इनके वसूलों पर पूरा विश्वास है, ये शरीर है मैं परछाई, जहाँ शरीर जाएगा परछाई को उसके साथ जाना ही पड़ेगा। आओ शारदा चलो। अरे सत्या जी हमारे भाई हमारे दोस्त, हम तुम्हारा इंतजार इसलिए थोड़ी कर रहे हैं तुम पैसे लेकर आओगे। अरे भाई इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है, सर ऊंचा करो। देखो मैं अपने भाई से हमेशा हमेशा के रिश्ता तोड़कर आ गया हूं। तुमने अपने भाई के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा है मेरे दोस्त, बल्कि तुमने सरमायादारों के साथ रिश्ता तोड़ा है। अमीरों से संबंध तोड़कर तुमने हम गरीबों के बाजुओं की ताकत को बढ़ाया है, तुम्हारी इस कुर्बानी पर हम तुम्हें सलाम करते हैं। बोलो कमरे सत्या जी, कमरे सत्या जी। तुमने एक लड़की की इज्जत पे हाथ डाला, उसके बाप का खून कर दिया, इतने संगीन जुर्म का दाग एक छोटी सी माफी से धुल जाएगा, कभी नहीं। सत्या जी ये आपने किए हुए गुनाहों पे पछता रहा है, मेरी तुमसे ये दरखास्त है कि इस कमीने का पहला जुर्म माफ कर दो। नहीं, इसने एक अमीर आदमी का कत्ल करके दुनिया की नजरों में अमीर आदमियों के लिए हमदर्दी पैदा कर दी है और हमें जालिम साबित कर दिया है, इसलिए आज के बाद मैं इसे इस क्रांतिकारियों के संगठन से अलग करता हूं। सत्यजीत बाबू पुलिस आ गई है और पहाड़ तक पहुंच गई है। तुम इन सब को लेकर इस ठिकाने बदल दो, पुलिस से मैं मुकाबला करता हूं। वक्त तो बेहतरीन मौका है, पुलिस उसका पीछा कर रही है। आओ, उन्हें जितना माल देश की उन्नति के लिए जमा करके रखा
हमें सारा अपनी जेब के नतीजे लिए लेको भाग जाते। चलो 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 क्या माला है। नमक हरामो, तुम जैसे गद्दारों ने दीमक बनकर इस देश को खोखला कर दिया। तुम जैसे ही धोखेबाजों ने शहीदों के खून से पैदा होने वाले हर इंकलाब को नाकाम कर दिया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं तुम लोगों का खून कर दूंगी। चलो भाग चलो। शांत। शारदा, 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 तुम बोलती क्यों नहीं? शारदा, शारदा, तुम बोलती क्यों नहीं? मेरे पास बोलने को शब्द कहाँ? मेरा सवाल जो जिंदगी किया आखिरी सांस ले रहा है उसके लिए आंसू बहाओ या मेरी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे के पैदाइश पर? इन पलों को कभी मौत नहीं आती शारदा, यह आज तुमने साबित कर दिया है। एक इनकलाबी के दिल की धड़कन बंद हो रही है और दूसरे क्रांतिकारी के दिल की धड़कन शुरू हो गई है। मैं आज मौत के आगे हार गया शारदा, लेकिन मेरे नियम मेरे सिद्धांत नहीं हारे। समुंदर को रेगिस्तान में बदलना और इनकलाब की समाधि बनाना किसी के बस में नहीं है। मेरे वसूलों के नुमाइंदे, मेरे आदर्शों को फैलाने वाले इस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह करना। किसी के आगे हाथ मत फैलाना, चाहे कितनी भी तकलीफें आए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, इस भूल को परवान चढ़ाना। इनकलाब जिंदाबाद। तुम्हारे चाचा को बदलने के लिए हमने उससे झूठ बोला कि उस दौलत और जायदाद में उसका कोई हिस्सा नहीं है, मगर हम बदनसीब ये कहां जानते थे कि अपनी इस हरकत से हम उसे हमेशा के लिए खो बैठेंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद हमने अखबारों में पढ़ा कि हमारा भाई शहीद हो गया, पुलिस फायरिंग में उसकी जान चली गई। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तुम्हारे पिता पुलिस की गोलियों से नहीं मरे, बल्कि उन तीनों में से किसी एक ने तुम्हारे पिता को मार डाला। और आज बरसों बाद जब मैंने उन तीनों को तुम्हारे ताऊ के साथ देखा तो मैं अपने होश और हवास खो बैठी। पुरानी यादों की झलकियां मेरे दिमाग पर छाने लगी और साथ ही ये सोचने लगी कि ये क्या हो गया, अब न जाने आगे क्या होने वाला है। कमीनों, हरामखोरों, गद्दारों, जिंदा इंसानों का गोश्त खाने वालों, झूठे इनकलाबी बनकर मेरे पिता से हाथ मिलाया और फिर उन्हीं हाथों से उनकी पीठ पर छुरा भोंक दिया। वो तमाम दौलत जो मेरे पिता ने देश के गरीबों की भलाई के लिए इकट्ठा की थी, तुम लोग उसे लूट कर फरार हो गए। पहले ये बताओ
तुम तीनों में से वो कौन है जिसने मेरे पिता का कत्ल किया? तुमने वो मैं नहीं हुआ। तुमने नहीं दिलक, क्या कह रहे हो? वो मैं नहीं हूँ। तो तुमने मैं तो था कि नहीं, मैं तो माँ के पेट में था, देखो मैं ही हूँ। अच्छा, तो तुम तीनों में से कोई भी नहीं है। ये चढ़ी हुई शराब तुम्हारे शरीर से निचोड़ कर निकाल लूंगा, तब तुम बताओगे कि कातिल कौन है। मेरे पिता का नाम डाकू और कातिलों की लिस्ट में लिखवा दिया था। जब तक मैं उन्हें बेगुनाह और तुम्हें कातिल साबित न कर दूं, तब तक तुम्हें जिंदा रखूंगा। उसके बाद शुरू होगी जंग। चाची, चाची, हम धर्मराज जी के बेटे राजेश्वर हैं। राजेश्वर, ठीक ही तो है। सोने के पल्ले में पलकर चांदी की थालियों में खाने वाला राजेश्वर ही तो कहलाएगा। हाँ, जब होश संभाला तो सोने का पल्ला था, चांदी की थाली थी, लेकिन माँ की गोद नहीं थी। चाची, हम आपको और तिलक को घर ले जाने आए हैं। कौन सा घर? हमारा घर तो यही है। हमने डैडी को वचन दिया है चाची, हम दोनों को लेकर ही आएंगे। और मैंने भी अपने मरते हुए पति को वचन दिया था कि जिंदगी में कभी आप लोगों के घर में कदम नहीं रखूंगी। चाची, हम आपका खून है, आपके दिल में खून के रिश्ते की कोई कीमत नहीं। खून का रिश्ता, उसकी कीमत और उसकी अहमियत मैंने उसी वक्त भुला दी थी जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। हमारी सारी दौलत, सारी जायदाद ले लीजिए। हम आपके बीते हुए दिन तो नहीं लौटा सकते, लेकिन आने वाले दिनों में खुशी लाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। खुशी तो मुझे उसी दिन हासिल हो गई थी जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा अपनी ही फैक्ट्री में मजदूर की तरह काम कर रहा है। मुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ, बल्कि मेरा सर फखर से ऊंचा हो गया। अब दोबारा उस ऐशो आराम की दुनिया में मुझसे नहीं जाया जाएगा। जिन्हें पत्थरों पर सोने की आदत होती है, उन्हें मखमलों पर नींद नहीं आती। राजेश्वर, शायद पत्थर पे सोते सोते आपके जज्बात भी पत्थर के हो गए हैं। हम तो दिल में यह विश्वास लेकर आए थे कि वो माँ जिसे जमाने की ठोकरों ने कितना भी दुखी क्यों ना कर दिया, वो इतनी संगीन नहीं हो सकती कि बेटे के आंसू देखकर भी पिघल ना जाए। हम चाह रहे हैं, लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखिएगा, जिस दिन आपके दिल में जज्बात जाग उठे, जिस दिन प्यार का एहसास जिंदा हो जाए, उस दिन एक बात जरूर याद रखना कि आपका एक बेटा और भी है जो अपनी मां का इंतजार कर रहा है। जख्मी बाप, अरे हाला फिर आ गया। क्यों जी, आप मुझसे पहले मरना चाहते थे क्या? बिना शादी करवाए आप मरने चले, बंदूक हाथ में ली नहीं जंग लड़ने चले? हाँ, और नहीं तो क्या करता। तुम दोनों तो मरते नहीं, मैं सोचा मैं ही मर को तुम दोनों से छुटकारा ले लूं। आंटी,
डॉक्टर ने कहा है बस 3 दिन की बात है, फिर खत्म खत्म, मरते सीधा जहन्नम। क्या तुम सिर्फ 3 दिन ही जिंदा रहोगे? क्या खदी सरी का गला फाड़ फाड़ को चिल्ला रही? तू मर को दिखा देख, मैं कैसा हल्लू हल्लू रोके दिखाता। क्या तुम मुझे मरने के लिए बोल रहे हो? मरने के लिए बोल रहा हूँ, 3 दिन में खत्म मतलब दर्द खत्म। ये झूठ मूठ करो ना, बंद करो, मैं ऊपर नहीं जा रहा, 3 दिन में घर आ रहा। मेरी शादी से पहले तुम मर नहीं सकते, शादी जब हो गई फिर जी नहीं सकते। अच्छा देखिए चलो। अच्छा बेटी घर का ख्याल रखना। जी हाँ। तुम अगर चाहो तो मैं अपनी कार में तुम्हें दे दी लिफ्ट, ये लिफ्ट होगा मेरी तरफ से एक गिफ्ट। अच्छा चलो चलो। तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? बांधा ना मंगल सूत्र मैंने कभी किसी को, तुम घबराओ या चिल्लाओ बांधूंगा मैं तुम्ही को। छोड़ो। रानी, अरे रानी रुक जा। रानी, रानी देखो, नहीं डालेंगे हम हाथ इज्जत पे तुम्हारी, पहनाएंगे मंगलसूत्र, यही ख्वाहिश है हमारी। रानी 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 रानी, अरे रुक जा। हाय अफसोस, मंगलसूत्र के धाने बिखर गए, अब तक तो मेरे पास थे, जाने किधर गए? अबा अबा, इतने बड़े मकान में कितने लोग रहते हैं? हमें प्यार करने वाले हमारे डैडी और एक लड़की के प्यार को तरसने वाले हम। सिर्फ तो तुम आ जाओगी तो 3 हो जाएंगे। बोलो क्या पियोगी, कॉफी मिल्क या टी? जो आपने पहले कहा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कुछ ख्याल है? घर में मेहमान आए हैं। गरम गरम उबलती हुई 2 धार, साथ में खनखनाते हुए 2 गोल गोल, और मैं दूंगा उसमें अंबर की पुड़िया गोल। क्या? हाँ ये वही बोल रहा था जो तुम बोल रही थी, चलो जल्दी से ले आओ। घंटों का काम मिनटों में। आप कौन सी भाषा में बात कर रहे थे? इस भाषा का नाम है संस्कृत या हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी नहीं तो क्या तुर्किस्तानी? लगता है तुम्हें पहेलियां बुझानी नहीं आती। पहेलियां? उसने ये कहा कि उबलती हुई 2 धारें तारे दूध की भी हो सकती है, पानी की भी। और उसने कहा चमकते हुए 2 गोल यानी कि 2 कप। फिर उसने कहा अंबर की 2 पुड़िया यानी कि कॉफी पाउडर। इसका मतलब है आप भी पहेलियां बोलते बोलते पहेलियों में एक्सपर्ट हो गए हैं। बिल्कुल। अच्छा तो मैं भी खुश हूँ। कहाँ? पहेलियों की दुनिया में। बड़े शौक से हम आपका स्वागत करते हैं। ओके सुनिए। वो जाता था मैं बुलाती थी, वो डालता था मैं रोती थी। वो जाता था, जाता था, मैं बुलाती थी, वो डालता था मैं रोती थी, मैं रोती थी। चूड़ी वाला। ओह माय गॉड, करेक्ट। और दूसरी। कोरी दुल्हन पीले कपड़े, जिसकी सिर्फ एक ही टांग, लोगों ने उतारे उसके कपड़े, उसने कुएं में लगा दी छलांग। कोरी दुल्हन पीले कपड़े। यू कांट। हाँ आई कांट। नो यू कांट। पीले कपड़े छिलका कुआ केला। ओह माय गॉड, बिल्कुल सही। देखा तुम हार गई। अब हमारी बारी है, हम सुनाएं? जी हाँ शौक से। तो सुनो। अड़ोड़ा मरोड़ा थूक लगा के कुसेड़ा। क्या 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 क्या? अड़ोड़ा मरोड़ा थूक लगा के कुसेड़ा। One minute. हरिया परिया प्लीज। वेट दिस इज नॉट बैड, जल्दी जल्दी। यू आर करेक्ट। अच्छा दूसरा कहिए। मुझे मेरा नहीं दिखता, तुम अपनी देख सकती हो, मेरा भी तुम देख सकती हो। ये पहली नहीं है, ये आपकी गप्पाजी है। नहीं बाबा पहली है, हिम्मत है तो बुझो।
नहीं पापा, ये मुझे नहीं आता। हार गई ना? हाँ हार गई। श्योर? या श्योर श्योर। तो जवाब सुनो, बिंदिया और तिलक। बिंदिया और तिलक, ये कैसे हो सकता है? पहली क्या है? पहली मुझे मुझे मेरा नहीं दिखता। हाँ? मुझे मेरा तिलक नहीं दिखता। ओह यस। तुम अपनी देख सकती हो। ये कैसे हो सकता है? अगर तुम आईने के सामने जाके खड़ी हो, तुम अपनी बिंदिया नहीं देख सकती? करेक्ट। तुम मेरा भी देख सकती हो? कैसे? अगर मैं तुम्हारे सामने आके खड़ा हूँ तो क्या मेरा तिलक नहीं देख सकती? मैं बिल्कुल हार गई। बुद्धू बुद्धू। लेकिन सुनिए जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। क्या चाहिए आपको? आओ देखो ना, थोड़ा नजदीक आओ। शादी ब्याह में जैसे अंगूठी दी जाती है, हाँ, है ना? हाँ। और प्यार में पप्पी।
में पड़ गई। भाग 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 फिर मौका दीजिए उसे आप नहीं छोड़ूंगा। मौका होना मेरा मन करता कुत्ते से दिखा तेरे लड्डा निकाल को चबा जाऊं। अरे क्या मवाली पकड़ को लाए तुम लोग, मेरे को रस्ते का भिखारी दिख रहे हो। पप्पू की तबीयत अब कैसी है? बहुत तेज बुखार है और बेहोशी में भैया भैया कहकर पुकार रहा था। डॉक्टर ने क्या कहा? पिताजी दवा लेने गए हैं। भारती ये लो दो चम्मच फौरन पिलाने को बोला है। हाँ, तुम बच्चों में चम्मच ले आती हूँ जी। ये लो मुँह खोलो पप्पू मुँह। अब तुम जाओ तिलक आराम करो जाओ। नहीं मास्टर जी, इन आंखों से नींद उड़ चुकी है, मेरे दिल में बदले की आग भड़क रही है। दिल पर काबू रखो तिलक जाओ। पप्पू पप्पू भारती मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं। पप्पू पप्पू
पप्पू, 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 दीदी भैया को बहुत डर लग रहा है, लोरी सुनाओ सो जाएगा। प्यार में हम तो गरीब नहीं, पैसा मगर नसीब नहीं। आइए डॉक्टर साहब, आइए। जरा दवा की बोतल दिखाना। माय गॉड, क्या हुआ डॉक्टर साहब? ये दवा नकली है, इसी दवा ने इस मासूम बच्चे की जान ली। आज एक मासूम बच्चा हमारी फैक्ट्री में बनी दवा पीकर मर गया। यह हादसा किसी लापरवाही के कारण नहीं हुआ, बल्कि तुम लोगों में से कोई एक है जो गैर कानूनी तरीके से ज्यादा दौलत समेटने की कोशिश कर रहा है, और हम जानना चाहते हैं कि कौन है वो। Who is that black sheep? मिस्टर धर्मराज, इस तरह बार बार हम पर शक करना, हमें बेइज्जत करना आपको शोभा नहीं देता। हमने सारी जिंदगी खुद को लक्ष्मण समझा और आपको बड़ा भाई समझकर आप पे रक्षा कदम पर चलते रहे। हमारी वफादारी का आप ये सिला दे रहे हैं कि आप हम पर शक कर रहे हैं? मुझे लगता है कोई हराम का जना अफवाह फैलाकर हमको, हमारी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा। और तुम्हें खाली फिर जब भी देखो हथेले को चिंगारी हिला के हमारे सर पर डाल के चले जाते, ऐसा करता चलेगा? ये झूठ है, गलत है। एक बार पहले भी तुम लोगों ने इसी तरह की कहानी सुनाकर मामले को रफा दफा कर दिया था और अपने जुर्म को छुपा लिया था, लेकिन इस बार हम खामोश नहीं रहेंगे। तुम्हें बताना होगा कि वो कौन है, वरना मजबूरन हम यह मामला पुलिस को सौंप देंगे। दांतों से मजबूर इंसानों का खून पीने वाले दरिंदों, पारो! इंसानों की जानों का सौदा करके कब्रिस्तान में जश्न मनाने वालों, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं, कमीना, पारो! देखो देखो इस बच्चे की लाश को, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। इस कली को फूल बनने से पहले जिंदगी की शर्तें क्यों उगाकर फेंक दिया? अरे जवाब दो कमीनों! है तुम्हारे पास इसका कोई जवाब? अगर है भी तो तुम में और तुम्हारी जबान में इकरार करने की हिम्मत नहीं। लेकिन आज आज मैं सदियों से होते हुए जुल्म का खात्मा करने आया हूँ। मैं यही इसी जमीन पर तुम्हारे सामने इस मासूम की लाश को दफन कर दूंगा। अब इसकी याद हर घड़ी तुम्हारा पीछा करती रहेगी। रोटी का निवाला खाने के लिए जब मुंह खोलोगे तो इसकी आत्मा जहरीले कांटों की तरह तुम्हारे हलक में फंस जाएगी। तुम्हारे गुनाह हर जगह हर वक्त तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। मैं इस मासूम को यहाँ दफन कर रहा हूँ ताकि दुनिया जान जाए कि तुम्हारी तरक्की की इमारत गरीबों की कब्रों पर खड़ी है। मिट्टी में मिल जाने वाली इस मासूम की लाश तुम जैसे पत्थर दिल इंसानों के सीनों में ज्वालामुखी बनकर उबलती रहेगी, और एक दिन गरीबों के आंसुओं का सैलाब तुम्हारी इन इमारतों को टैंकों की तरह बहा कर ले जाएगा। बोल बोल कमीने, यही मौका है, बोल। बताता हूँ राजेश, बताता हूँ। तिलक
इनमें से कोई भी नकली दवाई बनाने का जिम्मेदार नहीं है। दौलत कमाने के नशे में मैंने इस कंपनी की दवाइयों का लेबल तब इन्हों के हाथ में बेच दिया और ये इतना बड़ा हादसा हो गया। मुझे माफ कर दो तिलक। केचली उतारे हुए जहरीले सांप को देखकर रहम खाना और पश्चाताप का ढोंग रचाने वाले जालिम को माफ करना जुर्म है, और इस जुर्म को इंसाफ में बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके इसी जमीन में गाड़ दूं और तेरे खून से इस मासूम की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करूं। नहीं, एक मुजरिम को मार कर खुद मुजरिम मत बन होश में। मेरे नजदीक इसकी मौत कोई जुर्म नहीं है, मैं इसका खून बहाऊंगा और इसके खून से अपने पिता के उसूलों के माथे पर तिलक लगाऊंगा। मेरे पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, ये शरीर और उसके अंदर का खून और उस खून में तड़पता हुआ सच्चाई के लिए लड़ने का जज्बा उन्हीं का दिया हुआ वरदान है, और वो वरदान इसका खून मानता है। तिलक नीचे डालो ये हथियार। रामजादे पिताजी मर गए। पिताजी इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए। इसने मेरा बेटा होकर मेरी इज्जत को हक में मिला दिया। ऐसे पापी को सजा मिलनी चाहिए। ले जाइए थे। धर्मराज जी मैं बड़ा खुशनसीब था कि मुझे आप जैसे नेक इंसान के साथ रहने और काम करने का मौका मिला, लेकिन अब मैं इस लायक नहीं रहा कि मैं एक दिन भी आपके साथ गुजार सकूं। धर्मराज जी मेरे चेहरे पर पाप के दाग लग गए हैं, इसलिए मैं इस काबिल नहीं रहा, और मैं आपसे क्षमा चाहते हुए यहां से हमेशा के लिए जाने की आज्ञा चाहता हूं। आइए मास्टर जी आइए, आप बरसों से बच्चों को इतिहास पढ़ाते आए हैं, आज यहां भी एक ऐसा वाकया हुआ है जो इतिहास में सुनहरी लफ्जों से नहीं बल्कि इस मासूम के खून से लिखा जाना चाहिए। लिख लीजिए मास्टर जी ताकि आने वाली नस्लें इस वाक्य को पढ़ सके। देखिए मास्टर जी इनमें एक रहम दिल है, एक मुजरिम है, बाकी सब बेगुनाह है। क्या जबरदस्त कहानी जन्म ले रही है यहां पर। लिख लीजिए मास्टर जी, इसे भी इतिहास में शामिल कर लीजिए। कल ये ढोंगी लोग खुद ही अपना एक कानून बनाएंगे, खुद ही मुजरिम के लिए सजा तजवीज करेंगे, और फिर दुनिया को दिखाने के लिए आपको हरजाना देने के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर लेंगे। लिख लीजिए मास्टर जी, लिख लीजिए। मिस्टर तिलक ज्यादा जज्बाती बनने की कोशिश मत करो, जुर्म और इंसाफ का फैसला अदालत करेगी, कानून करेगा। कांस्टेबल इस बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेके चलो। चलिए इंस्पेक्टर साहब, जब से मैंने ये टीचर की नौकरी की तब से मैं ये हाथ इस तरह जोड़ता आया हूं, पहली बार नौकरी मांगने के लिए और फिर भूख से तंग आकर भीख मांगने के लिए, और आज अपने इस मासूम बच्चे के लिए। इंस्पेक्टर साहब मैं एक बाप के नाते आपको लिख के देने को तैयार हूं कि मेरा बच्चा दवा पीकर नहीं मरा है बल्कि भूख से तड़प तड़प कर मर गया है। इस मासूम को जिंदगी में मैंने कोई सुख नहीं दिया, कम से कम मरने के बाद तो उसे छोड़ दीजिए, डॉक्टर या औजारों से उसके टुकड़े टुकड़े मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब। सॉरी सर, मैं आपके जज्बात को समझता हूं मगर अपनी ड्यूटी और अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूं। कंस्टेबल चलो। चलो मास्टर जी, मास्टर जी तिलक धीरज रखिए मास्टर जी। ओहो नागेंद्र तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, शराब पी लो आराम मिल जाएगा। नहीं नागेंद्र बाबू, बड़े लोग बोले बच्चे का पेट खराब हुआ तो उसको जुल्लाब देना, बड़े का दिमाग खराब हुआ तो उसको शराब देना। पी लो थोड़ा सा कचरा निकल जाएगा। पी लो आराम मिल जाएगा, थोड़ी देर में सब कुछ भूल जाओगे। लो पी लो पी लो। शराब उस वक्त पीऊंगा जब मैं तिलक का बहता हुआ खून देखूंगा, मैं शराब उस वक्त पीऊंगा जब राजेश्वर की चिता जलती हुई देखूंगा, मैं अपने गम तब भूलूंगा जब धर्मराज का सर मेरे कदमों में झुका होगा। तू बड़ी भयानक तमन्ना है मेरा, मेरे को नहीं लगती एक भी पूरी होगी। नागेंद्र, अरे नागेंद्र ये कोई कुरुक्षेत्र की लड़ाई नहीं है भाई। देखो आजकल बदला लेने के अंदाज बदल चुके हैं, जमाना बदल चुका है मेरे भाई। जमाना नहीं बदला, बनराज
धर्मराज की नीयत बदल गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता हमें दूर करता जा रहा है और अपने भाई के बेटे को करीब लाता जा रहा है। मतलब तुम्हें उसके धोखेबाजी की बात कर रहे हैं? तुम यहाँ धोखा देने वाले को कभी कभी धोखा सेना भी पड़ता ना। जब हमें लोगों दुनिया को क्या कमती धोखा दिए, सत्यजीत को मार डाले, वो जितना पैसा जमा किया था जनता की भलाई के लिए हमें लोग लेकर चंपत हो गए। उसके बाद आपको धर्मराज से हाथ मिलाए, उसके धंधे में उसके पार्टनर बन गए, उसके बाद शराफत का पोतड़ा लेको मुंह पे चिपका को। अबे कमबख्त, तू क्यों हम सबको हमेशा फांसी के तख्त पर लटकाने के लिए लगा रहता है? क्या है? अबे साले, किसी के सामने तो एक तरफ, सपने में भी ऐसी बकवास मत करना। और अगर किसी ने ये सुन लिया और हमारे इतिहास का मालूम हो गया तो हम सब पे सब फांसी के तख्त पर लटके हुए नजर आएंगे। मिस्टर नागी रेड्डी, आज के बाद तुम्हें ये बात बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो कुछ तुमने उगला है वो इस टेप में रिकॉर्ड हो गया है। जिस तरह हजारों जानवरों का गोश्त खाकर जीने वाला गिद्ध एक तूफान के आने से मर जाता है, उसी तरह सारी जिंदगी दूसरों को धोखा देने वाले कातिल अब इस टेप की आवाज से फांसी पर लटक जाएंगे। मिस्टर धर्मराज, तुम्हें सिर्फ रुपया कमाना आता है, किसी की जान लेना नहीं। बहुत मुश्किल काम है ये। हमने आज तक इतने खून किए हैं कि उन्हें गिनना भी मुश्किल है। हमसे उलझने की कोशिश मत करो। अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हम तुम तीनों को गोलियों से छलनी कर देंगे। अब हम तुम्हारा वो इतिहास जो दुनिया की नजरों से छुपा रहा उसे अब दुनिया के सामने लाएंगे और बताएंगे उन्हें कि ये वो शैतान है जिन्होंने देश पर जान देने वाले हमारे भाई का कत्ल किया, उसे डाकू और चोर का नाम देकर बदनाम किया और खुद शराफत का चोला पहनकर समाज में इज्जत की कुर्सी पर बैठ गए। लो ये दस्तावेज, इसे पढ़ो और इस पर दस्तखत करो। मिस्टर धर्मराज, तुम क्या हमें इतने बेवकूफ समझते हो कि हम अपनी बरसों की जमा की हुई दौलत और जायदाद को एक ही दिन में मजदूरों और इस भीखमंगों की जनता में बांट देंगे? तुमने हमारे भाई के साथ जो फरेब, जो धोखेबाजी की है, उसके लिए तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं। या तो अपने पापों का प्रायश्चित कर लो या फिर हमें तुम्हारा खून करने दो। नली का मुद्दा करो, मेरे गले की नली में सांटा कर गई। मैं सुना की झंडी दिखा रहा, देखो तुम्हें दो शरीफ लोग भगवान के अवतार, तुम्हें खून किए तो खून करो ना। हमें दस्तखत करते, ईमान से करते, तुम्हें जिधर बोले उधर करते, ऐसा क्या 10-15 होने कराए तो भी करते, मगर नको गोली नको चलाओ गिलो। अरे करो मिया, तो गोली मारे करो, जल्दी करो। जल्दी करो मिया, कल सुबह 10 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलेंगे। बेवकूफ, डर वो कहीं का, खुद तो डर के दस्तखत कर दिया, हम तो भी दस्तखत करवा दिए। दूसरों का माल हजम करते करते तुम्हें लोग अपना भेजा भी हजम कर गए क्या? ये सुफेद झंडी में हारमान को नहीं लटकाया, उसको कफन पहनाने का इशारा दिखाया। देखो ऐसे क्या हो गया है रे तुम लोगों को? आज अब तुम भी वहीं चले जाओ जहां बरसों से तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। Thank you.
अंकल, 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 हेलो राजेश, मैं प्रदाश बोल रहा हूँ। तुम्हारे रहने की लाश एक बार के पास स्कूटर लग कर पड़ी है। What? It is impossible. ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अभी भी पता चला है। तुम पूरे वहाँ पहुँचो। राज, आर यू डाउटिंग एनीबॉडी? डाउटिंग? जी हाँ, एक ट्रक ड्राइवर है तिलक। उसके दिल में न जाने हम लोगों के खिलाफ इतना जहर क्यों भरा है कि वह दिन हम लोगों को बर्बाद करने की धमकी देता रहता है। आई सी। और ये कागजात जो इस वक्त आपके हाथ में है, यही कागजात लेकर वो हमारे पास आया था। तमाम जायदाद मजदूरों के नाम करने के लिए इन कागजात पर हम लोगों के दस्तखत मांगने लगा था। हमने जब उसे इनकार किया तो वो हमें जान से मार डालने की धमकी देने लगा। आई सी। फिर हम लोगों ने डर के मारे इन कागजात पर दस्तखत कर दिए। उसके बाद उसने कहा कि अब मैं तुम्हारे चीफ धर्मराज जी के पास जाकर इन कागजात पर दस्तखत करवाऊंगा। इन्होंने शायद इन कागजात पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया होगा। इसी उस जालिम दरिंदे ने ऐसे देवता स्वरूप इंसान का खून कर दिया। I'm sorry, Mr. Rajeshwar. I can't share your sorrow, but we'll catch the culprit and hand over to the court. Inspector, yes, sir. Please take the body to the hospital for the postmortem. Okay, sir. Bloody fool! क्या कहा गधे की औलाद? हम तुम्हें तीनों गधे की औलाद दिखते हैं? सिर्फ गधे की औलाद नहीं, खच्चर की औलाद, घुस की औलाद हो। अरे बस करो, मैं क्या कर रहे हैं? तुम इसको उंगली करेंगे या हमको दुनिया भर के जानवरों की औलाद बनाकर छोड़ेगा? एक तो मेरे को वही चीज मालूम नहीं, मेरा बाप कौन था। धर्मराज जी अपनी मेहनत से दौलत कमा रहे थे और तुम लोग घुस की तरह सुरंग बनाकर उनको लूटते जा रहे थे। बेटे, कमीने पन में हम शैतान के पाप, पहले दूसरों पे लगाने के लिए इल्जाम तैयार करते हैं, उसके बाद खून करते थे। जैसे कि ये कागजात, तुम्हारे चाचा इनके जरिए हमें मुजरिम साबित करना चाहते थे, लेकिन हमने इन्हीं के जरिए तुम्हें कानून की नजर में मुजरिम बना दिया और खुद सफाई से निकल गए। और इधर देखो, ये साबित हो चुका है कि चाकू पर पाए गए उंगलियों के निशान और लॉरी के स्टेरिंग पर पाए गए उंगलियों के निशान एक ही आदमी के हैं, और वो तुम हो। ये टेप रिकॉर्डर देख रहे हैं? मरने से पहले तुम्हारे चाचा ने हमारी आवाजें खामोशी से इसमें रिकॉर्ड कर ली थी। यही एक सबूत है जो हमें मुजरिम साबित कर सकता था और जो शायद हमें फांसी के तख्ते पर भी लटका सकता था। अब हम इसी सबूत को तुम्हारी आंखों के सामने जलाकर खत्म कर देंगे। लाइट जलाओ ना। जलाने से पहले इसको इसके चाचा की आवाज आखिरी बार सुन लेने दो, दोनों की आत्माओं को शांति मिल जाएगी। क्या बेईमानी है, क्या बेइंसाफी है? अरे वो धर्मराज भी जला दिया क्या? नहीं तो उसको जगा के पूछेंगे, वो हराम का असली कदर का उछल को रख दिया। खामोश, मेरे को बोल रहे। लगता है मरने से पहले धर्मराज ने इस कैसेट को बदल दिया है। समझ लो अब तुम लोगों की जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया। पाप की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती कमीनो। तुम गलत सोच रहे हो बच्चू, पाप की जिंदगी लंबी नहीं होती, लेकिन पापियों की जिंदगी बहुत लंबी होती है। मौत तो तुम्हारी है तिलक, एक तरफ पुलिस तुम्हें तलाश कर रही है और दूसरी तरफ राजेश्वर अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए तुम्हें ढूंढ रहा है। और जब तक राजेश्वर गुस्से से पागल नहीं हो जाता, हम तुम्हें यही रखेंगे, उसके बाद तुम्हें ले जाकर उसके कदम में फेंक देंगे। फिर कितना मजा आएगा, तुम्हें दोनों जंगले भैंसे की तरह हुनकारा मार मार को लड़ेंगे और हमें लोग बगला बजा कर बजा को हंसेंगे। अरे बिच्छू, कोई मर गया क्या? अरे
ये तो किसी की शादी का कार्ड है, इसे देखकर तू क्यों रो रहा है? बचा था एक ही दोस्त, उसकी भी हो रही है शादी, यहाँ हर मंडप से लड़की भागती है, इसे कहते हैं बर्बादी। अबे ओ बिच्छू के बच्चे, अरे अगर तू ऐसे ही दूसरों की शादी से जलता रहा तो अगले जन्म में भी तेरी शादी नहीं होगी। हाँ। लेकिन क्यों नहीं होगी, वजह इसकी तो कुछ होगी। मुझे शक है कि तेरा वो बहुत छोटा। अबे दिल 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 दिल, इसे बड़ा करने के लिए क्या करूँ? अबे सवेरे उठ के 16 अंडे, 13 इडलियाँ, 6 मुर्गियाँ, इतना तो रोज उठ के सुबह मैं एक ही झटके में निकल जाता हूँ। फिर जवान तो क्या, मैं बुढ़िया भी नहीं पाता हूँ। अबे तुझे इतना नहीं खाना चाहिए, यही तो तेरे अंदर कमजोरी है। ये हालत, ये हुलिया देखकर कौन लड़की तुझसे शादी करेगी? कौन निर्दयी बाप होगा जो अपनी लड़की की शादी रेलवे इंजन से करवा के उसका कचूमर निकलवाएगा? हाँ, पैसा हो तो फिर कुछ अट्रैक्शन है। पैसा तो बहुत है मेरे पास, ये तो तू भी जानता है भगवान दास। अबे वो तो तेरे बाप का पैसा है, खुद की कमाई का कहाँ है? खुद दिमाग से कमा तब मर्दानगी पैदा होगी। पैसा कमाने का तरीका मेरे कान में भर ले, मर। मम्मी मम्मी मम्मी, जल्दी से मुझे दे दे आशीर्वाद और चिल्ला चिल्ला के बोल बिच्छू रेडी जिंदाबाद। उठो मेरे लाल, क्या हुआ? किया आज मैंने अकलमंदी का काम, टिकट लॉटरी का लिया और हाँ? पाया इनाम। क्या रे बिच्छू, कितने का इनाम मिला तेरे को? सुन के तुम लगोगे खुशी से नाच, इनाम में मिले मुझे रुपए 5। 5? इतने पैसे आजकल फकीरा भीख में नहीं लेते, तेरे को लॉटरी लगी? ना बेटा ना, ना। हाँ हाँ, लेकिन आज तक 5 पैसे की भी लॉटरी लगी है तुमको कभी? अरे तुम जैसे मनहूसों का साया रहा तो मेरे को लॉटरी लगती। शुक्र करो मेरे को लॉटरी आगे नहीं लगी आज तक। कितने के टिकट खरीदा रे तू? ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 लाख रुपए के। अरे गिर गए, उठा लीजिए माता जी। गिरने दे, इनको तो हमेशा अपनी खुशी पे कटे हुए पेड़ की तरह गिरने की आदत पड़ चुकी है। डैडी, आपने सारी जिंदगी इस ज्योति की तरह हर इंसान के जीवन को रोशन करने की कोशिश की है, लेकिन तिलक ने अपनी दुश्मनी की फूंक से इस रोशनी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया, हमारी दुनिया में अंधेरा कर दिया। डैडी हमें ताकत दो, हमें शक्ति दो कि हम उसके और हमारे बीच में खून के रिश्ते को भूल जाएं और आपकी मौत का इंतकाम ले सके। राजेश्वर, हमारे डैडी का कत्ल करने के बाद, हमारे दिल में बदले की आग भड़काने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम इस तरह हमारे सामने खड़े रहो? शमशान में अगर दुश्मनों का भी सामना हो जाए तो दुश्मनी को भुलाकर मौत जो जिंदगी का अंजाम है उसके बारे में सोचते हैं, बैराग और सन्यास के बारे में सोचते हैं। आज वही वक्त हम दोनों के बीच में आ गया है। दुश्मनी को बुलाकर एक बार मेरी सच्चाई को सुन लो राजेश्वर। अरे तुम्हारे पास है ही क्या कहने के लिए? हाँ, तुम्हारे दिल की भड़कती हुई आग ठंडी हो चुकी है, लेकिन हमारे दिल की आग अभी तक भड़क रही है और ये उस वक्त ठंडी होगी जिस दिन हम तुम्हारी लाश को चिता की जलती हुई आग में देखेंगे। तुम बदले की आग में अपने अंदर के इंसान को जलाकर हैवान मत बनो। आज तुम्हारी बातों में वो चिंगारियां नहीं रही, क्योंकि तुम्हें जिंदगी से प्यार हो गया, इसलिए तुम मौत से डर कर पुतलों की तरफ बातें कर रहे हो। मौत से डर? और मुझे? मैंने उस वक्त जन्म लिया जब एक बहादुर इनकलाबी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। मैंने तो पैदा होते ही मौत का मुंह देख लिया था। हम तो मौत से लड़ लड़कर बचपन को जवानी तक लाए हैं। तुमने तो ऐश की और हमने रुखी सुखी खाकर जिंदगी का सफर तय किया है। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते मेरे दोस्त। बहुत घमंड है तुम्हें अपनी ताकत पर। हाँ, तुम्हारे मकरूर सर को कुचल कर, अपने पांव तले रौंद कर, अधमरी लाश बनाकर कानून की ठोकरों में फेंक देंगे। राजेश्वर मेरी बात सुनो, आज हम तुम्हारी कोई बात नहीं। कमीने राजेश्वर, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही।
पैसे। राजेश्वर, आज जो हुआ उसके लिए तुम्हें पछताना होगा। अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोलो, दोस्त और दुश्मन की पहचान करो। राजेश्वर ले चलो उसे। आप और हमारे घर, आपने तो कहा था इस घर में कभी कदम नहीं रखेंगे, आज आप अपना वादा कैसे भूल गए? जब तूफान आता है तो समंदर भी भूल जाता है कि उसे साहिल पार करके आगे नहीं जाना चाहिए। तूफान तो इस घर में आया चाची, बर्बादी तो इस हवेली की हुई है। ये जानते हुए भी कि इस बर्बादी का जिम्मेदार आपका बेटा है, फिर भी आप यहाँ चले आए हैं? हाँ, क्योंकि उस रोज तुमने मुझसे कहा था कि मेरा एक और भी बेटा है जो अपने घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे बेटे की मौजूदगी का एहसास दिलाकर आज तुम खुद भूल गए। उस दिन हम अपने दिल में प्रेम और श्रद्धा की भावना लेकर आए थे आपके पास, लेकिन अब हमारे डैडी की मौत, अब हमारे डैडी की मौत ने हमारे दिल में नफरत और इंतकाम का जहर भर दिया है। मेरे बेटे के लिए तुम्हारे दिल में जो जहर भरा है वो गलत है, क्योंकि मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो दूसरों के लिए अपने खून की कुर्बानी दे सकता है, लेकिन किसी का खून नहीं कर सकता। वो किसी का खून कर सकता है या नहीं, यह अदालत फैसला करेगी। हाँ, अगर आपका बेटा निर्दोष निकला तो हम आपको चाची नहीं माँ कहकर पुकारेंगे और जिंदगी भर आपकी पूजा करेंगे। बस मेरे लिए तुम्हारा इतना कह देना ही काफी है। मैं बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे दर पर आई हूँ। मैं जिंदगी में सब कुछ खो बैठी हूँ, एक ही है जिसके सहारे जिंदा हूँ, उसे देख देख कर जी रही हूँ। एक ही तमन्ना है कि उसके कंधों पर इस दुनिया से चली जाओ, उसे किसी भी तरह कानून की गिरफ्त से आजाद करवा दो। वो निर्दोष है। हर माँ के लिए उसका बेटा निर्दोष होता है, लेकिन ये बेटा जो अपने डैडी को खो बैठा, उसके लिए आपका बेटा खूनी है। इसलिए आप हमसे झूठी उम्मीद ना रखिएगा, और ना ही हम आपसे कोई झूठा वादा करना चाहते हैं। आप जा सकती हैं। कुंती ने करण को नफरत से फेंक दिया था, फिर भी करण ने उसे वरदान दिया था। वो रिश्ता तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं है, इसलिए तुम मुझे इनकार कर रहे हो। बड़ी उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन मैं आज खाली हाथ तुम्हारे घर से लौट रही हूँ। ये माँ जिसने आज तक ना जाने कितने गुनाहगारों, कितने कातिलों को माफ कर दिया, जिंदगी का हर दुख खामोशी से सहती रही, लेकिन बेटे का यह गम बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बात याद रखो राजेश्वर, तुम्हारी ये चाची जिसने अपनी मर्जी से अपनी दौलत, अपनी जायदाद, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, जिंदगी में पहली बार किसी से कुछ मांगने आई तो वो तुम्हारा डर था, लेकिन आज दिल में मायूसी और आंखों में आंसू लेकर जा रही। मेरा यहाँ आना और चले जाना खाली नहीं जाएगा। आज का दिन तुम जिंदगी भर याद रखोगे। शीला, जरा यहाँ आना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये डॉक्यूमेंट तुमने ट्रिपल किए थे? यस सर। आपके डैडी के साथ जिस दिन वो दुर्घटना हुई थी उसी दिन उन्होंने मुझे ये मैटर डिक्टेट करवाया था। मैंने उसकी दो कॉपियां टाइप की थी, एक वो अपने साथ ले गए और दूसरी वो यहीं छोड़ गए। यू कैन गो। थैंक यू सर। ये क्या कर रहे हो शर्मा जी, क्या हुआ? राजेश्वर बाबू, ऑफिस से उस रोज रुपए मैंने चुराए थे और इल्जाम तिलक पर लगा दिया था। क्या? जी हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी की शादी करवाने का वादा किया था, लेकिन भगवान ने मेरे गुनाहों की सजा मेरी बेटी को दे दी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये देखिए ये खत। ऑपरेटर कनेक्ट फनराज ऑफिस। सर इस वक्त वो ऑफिस में नहीं मिलेंगे। आज भी उन्होंने बहुत सी गरीब लड़कियों की शादियां करवाई और उन्हें विदेश भेजने का प्रबंध कर रहे हैं। तुम्हें वो जगह मालूम? जी हाँ। चलो मेरे साथ।
शर्मा जी, इन लड़कियों को उनके घर पहुंचा दो। जी बहुत अच्छा, चलो बेटी आओ। मिस्टर राजेश लाल, डरो नहीं, हमें तुम्हारे पुराने दोस्त मिस्टर नागपाल, तुमने हमारी बरसों की दोस्ती को ठोकर मारकर हमको जेल भिजवा दिया था। आज हम जमानत पर जेल से छूट कर आए हैं। और मिस्टर राजेश्वर, एक बात मेरी अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लो, आज हम तुमसे बदला लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहां से कहीं दूर चले जाएंगे। चलो गाड़ी तेज चलाओ और उस वैन का पीछा करो। हमें लोगों दुनिया को क्या कमती धोखा दिए, पति जीत को मार डाले, वो जितना पैसा जमा किया था जनता की भलाई के लिए, हमें लोगों ने कुछ चंपत हो गए, उसके बाद आपको धर्मराज से हाथ मिलाए, उसके धंधे में उसके पार्टनर, उसके बाद को थोड़ा ले को मुंह को चिपका को बैठ गए। ये लो हराम के, वो कैसे जल्दी लेको आना। डैडे डैडे, तू 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 तो ऐसे भागो आ रहा जैसे मरते आदमी के पीछे महाराज भागो आता, काहे को बमड़े मार रहे। अरे शुभ है या अशुभ, जल्दी बोल। अरे आज शुभ है तभी तो भाग के आ रहा हूँ। वो जो हरानंदा शर्मा है ना, उसने राजेश्वर को हमारे सारे सिगरेट बिजनेस के बारे में बताया। और सुनो, राजेश्वर के पास वो कैसेट भी है जिसके अंदर तुम सब लोगों की आवाज टेप की हुई है। तुम लोग ठहरो, मैं खुदकुशी करके आता हूँ। अबे बैठ, कैसेट उसे कहाँ से मिला? वो कैसेट धर्मराज की गाड़ी के टेप रिकॉर्डर में लगा हुआ था। You bloody idiot! तुम तो कहते थे वो कैसे लाकर हमें दोगे, इसके लिए हजारों रुपए हम एडवांस ले चुके हो, हैं? अब वही कैसे राजेश्वर के हाथ लग गया बेवकूफ। आप फिकर मत कीजिए, सिर्फ 5,000 रुपए और दे दीजिए इसके अलावा, फिर देखिए राजेश्वर से वो कैसेट में किस तरह उड़ा के लाता। अरे मैं तेरा मुंह तोड़ूंगा। कैसे तुम के पत्ते ला हमारे दिया पैसा निकाल, इसकी पैंट फट जाएगी। जाएगी, अरे जा रहे रेडी। अब तक राजेश्वर और तिलक हमारी तलाश में निकल चुके होंगे, हमें घरों में ढूंढ रहे होंगे। जब तक वो हमें तलाश करते हैं, तब तक हम मंदिर में जाकर अपना सारा माल निकालकर इस मुल्क से बाहर निकल जाएंगे। माँ, आज से हम तुम्हें चाची नहीं माँ कहेंगे। बेटी बेटे, मैं तो सोच रही थी कि मैं अपना अकलौता बेटा भी गंवा दूंगी, मगर तुमने तो आज मुझे दो बेटों की माँ बना दिया। माँ, उस दिन तुम हमारे घर आई, हमने स्वागत के बजाय आपका अपमान किया। तुम्हारी झोली खुशी से भरने के बजाय तुम्हारी आंखों में आंसू भर के अपने घर से लौटा दिया। आज
आज हम तुमसे क्षमा मांगने आए हैं। ईश्वर हजार गुनाह करने के बाद माफ कर देता है, लेकिन एक बार मां का दिल दुखाओ वो कभी माफ नहीं करता। बस बेटा बस। खुशामदी लोगों की बातों में आकर भाइयों के बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। इस इतिहास को जानते हुए भी हम दुश्मनों की चाल में आकर एक दूसरे के खिलाफ जंग करने को खड़े हो गए। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। ये वक्त पुरानी गलतियों पर पछताने का नहीं, बल्कि उन गुनाहगारों और मुजरिमों को पकड़ने का है जिनकी ये सारी आग लगाई हुई है। अब वो तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे, क्योंकि वो सब इस देश से निकल जाएंगे। किसने कहा तुमसे? हाँपते हुए कुत्ते की तरह कह रहा था नागपाल। खुल गए सारे राज, उनके पकड़े गए सारा गोलमाल। हम कैसे विश्वास करेंगे कि तुम सच कह रहे हो? बोलूंगा सच, इस जन्म में हो जाएगी शादी मेरी अगले जन्म में। अच्छा बताओ इस वक्त वो लोग कहाँ हैं? मंदिर में। मंदिर से पहले माल निकालेंगे, फिर कुत्ते की तरह भाग जाएंगे। बेटा राजेश्वर, तिलक, तुम दोनों जिनकी औलाद हो, उनकी हिम्मत और सच्चाई का जज्बा तुम दोनों के खून में मौजूद है। टूट पड़ो शेरों की तरह उन दरिंदों पर जिन्होंने तुम्हारे सरों पर से तुम्हारे पिता का साया मिटा दिया। पकड़ लो उन्हें और कानून के हवाले कर दो। जाओ, भगवान तुम्हारे साथ है। माफ करना नागराज, आज से हमारा और तुम्हारा हिसाब किताब बंद, क्योंकि तुम इंसानों की तरफ बोल नहीं सकते, सिर्फ कह सकते। इसलिए हमने ये फैसला किया। आओ भरते हुंकारे, कंठ शंकर का छोड़ो रे। आज विष्णु को जगा दो, गगन पाताल हिला दो, आज प्रलय मचा दो रे।
चले मौत संग, तुम जहां हो जीत वहां है। दुष्ट दरिंदे बढ़ाकर अपने पंजे हमको निगलने खड़े, सत्य की जीत करा दो, धर्म का दीप जला दो, धरती का बोझ हटा दो। आ जाओ आ जाओ नागरा तुम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ नागरा तुम, आ जाओ। हजारों थन फुंकारे आओ भरते हुंकारे, कंठ शंकर का छोड़ो रे। विष्णु को जगा दो, गगन पाताल हिला दो, आज प्रलय मचा दो हे। राजेश्वर, तिलक के साथ मिलकर तुम दुनिया की नजरों में हमें मुजरिम साबित करना चाहते हो? अरे साबित क्या, हम तो टुकड़े करने आए तुम्हारे साबुत जिस्म के। तुम्हारी दौलत के लालच के लिए अगर हम दोनों कुर्बान भी हो गए तो सच्चाई नहीं मरेगी, उसी सच्चाई ने तुम्हें मौत बनकर चारों तरफ से घेर लिया है। मैं जानता था कि तुम दोनों बहुत जिद्दी हो, हमारे रास्ते से नहीं हटोगे, इसीलिए हम तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए अपना प्रोग्राम बना कर आए हैं। जरा पीछे मुड़ के देखो, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो इन तमाम भक्तों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। Thank you.
आपको अरे मेरे को नक्को पकड़ो, मैं सुलह का सोफा झंडा दिखा रहा हूं। विश्वास मत करना इस पे, नकली है इसका झंडा। कभी कुत्ते के पेट से निकला है मुर्गी का अंडा। हराम के बाप को फंसा रहा, मेरे को फांसी होने दे, मैं मर को तेरी घर में जन्म लेके तेरी जिंदगी में मेरी चीज खोलता देख। जन्म तेरा इस दुनिया में कभी नहीं होगा, मैं शादी नहीं करूंगा, तू पैदा कैसे होगा। तू इसके मुंह को हथकड़ी लगा मेरे। हमें इस बात का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है दोस्तों कि हमारे चाचा यानी के तिलक के पिता एक महान इंसान थे। हमारे डैडी के असूलों से उनकी जिंदगी का मकसद कहीं ऊंचा था। इंसान दौलत की लालच में कितना बड़ा राक्षस बन सकता है, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए आज हम अपनी तमाम दौलत, तमाम जायदाद आप लोगों के नाम करते हैं। आज हम सब मालिक हैं, सब मजदूर हैं। बन गया मैं भी मजदूर, आज से आज छुट्टी है, काम करूंगा घर से। जब मालिक अपनी कुर्सी से उतरकर मजदूर को गले लगा लेता है, उसे बराबर का समझने लगता है, वो दिन मजदूर के लिए विजय का दिन होता है। मजदूर की मेहनत जिंदाबाद, मजदूर की ताकत जिंदाबाद, मजदूर की मेहनत जिंदाबाद।